की अपेक्षा करते हैं हम लोग, जी सर, लेकिन मैं खुद मैं भी गारंटी नहीं देता हूं कि मैं हरदम आ सकूंगा, जी लेकिन जब तक कोशिश हो लोगों को कंटिन्यूटी मेरी, मैं एक ऑन्टोलॉजी फोरम को कंडक्ट करता हूं कई बार, वहां जी भी मेरी समस्या है कि दुनिया के बड़े बड़े प्रसिद्ध विद्वान आके बोल जाते हैं, जी लेकिन जब सिंथेसिस या पैनल की बात आती है तो वो गायब हो जाते हैं। हाँ, उसमें ये उनको कठिन साथ बैठ जी के काम करना पड़ेगा। तो जी आगे 5 वर्ष में आपका संस्थान या अपने से जुड़ा हुआ ग्रुप है, अगर विज्ञान के क्षेत्र में कुछ काम करे उसके जी लिए, वर्मा साहब जैसे और वो जो एंटेना वाले अपने जी मिलिट्री के थे, रिटायर्ड कर्नल साहब या जो भी हैं, जी वो इस तरह के लोग काफी अच्छे जुड़े, और विज्ञान की दृष्टि से और वेद विज्ञान की दृष्टि से आप सब समर्थ हो, लेकिन उसमें भी युवा पीढ़ी जुड़े जी थे। कोशिश तो डॉक्टर साहब हमने काफी की है, लेकिन उतनी सफलता, अपेक्षित सफलता नहीं मिली। तो हम कुकीज या केक या मिठाई की गोली ऐसी रखनी पड़ेगी हर एक हर जी एक में, कि जिसकी जी वजह से खास तौर पे यंगर क्राउड हमारे जी साथ जुड़े। जी मेरा जरूर प्रयास रहेगा। और चलिए, हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं, अच्छा, प्रोफेसर, हाँ तब आ जी, गए, आरती वर्मा जी जुड़ चुके हैं, तो मुझे हमें लगता है कि दिखाई नहीं हम दे रहे। मुझे नमस्कार नमस्कार, नमस्कार वाह वाह, आनंद आ जी गया। नमस्कार। थोड़ी मुझे को हेल्प की जरूरत है, क्योंकि मैं पहली बार इससे चल रहा हूँ एक्चुअली, मोबाइल से। जी, सो आई हैव ओपन इट, बट हाउ टू अपलोड माय फाइल? या तो आप फाइल मुझे भेज दीजिए, मैं उसको यहां से कर दूं। इसमें वैसे स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन होता है। वही मैं देखना चाह रहा हूँ, इसको कैसे करेंगे। जैसे अभी आप चला रहे हो, तो इसका मतलब आपको ऑफ करके फिर मेरे को ऑन होगा, या दोनों नहीं, आप ऑन कर को? लीजिए, नहीं सर, आप आप ऑन डायरेक्ट यहाँ 3 डॉट पे क्लिक कर। कीजिए सर, उसमें एक हाँ, ओके, स्क्रीन गुड शेयर का गुड ऑप्शन गुड, होगा। मेरे को थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। 3 डॉट पे मैंने कर लिया है, उसके बाद और वहां पे सर एक स्क्रीन शेयर का एक शेयर ऑप्शन भी स्क्रीन, होगा। ओके, शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ गया है, जी सर, और तो वो वैसे फिर हम लोग सारे प्लेस। आपका स्क्रीन देख पाएंगे सर। हाँ जरूर, ये हो गया है। आप अच्छा, कर लीजिए ओके, आप, हाँ आप इसकी अपनी स्क्रीन शेयर कर इसको लें। अब इसको, यू आर नॉट हाँ शेयरिंग जी, योर हाँ जी, स्क्रीन। आप, अब हाँ सर, मुझे अब आपका अपनी स्क्रीन, स्क्रीन, फेयरिंग हो गया सर। मैं एक सेकंड अपनी हाँ, वाली वो मुझे स्क्रीन अपने बंद कर उसमें देता जाना हूँ। पड़ेगा, उससे कोई उसमें दिक्कत जाना नहीं है सर, पड़ेगा, आप तो ऑफ कीजिए चाहे नहीं कीजिए। नहीं, हाँ वही वो मैं देख रहा फिर हूँ, भी थोड़ा लोड ना अपने पड़े। फाइल तक मुझे जाना पड़ेगा सर, आउट गो। हाँ जी, अब आप अपनी पीपीटी अच्छा, खोल लीजिए। जी जी सर, अब ठीक है? नहीं अभी प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है। पहले तो आया था डॉक्टर साहब, आप अनम्यूट, अपने को अनम्यूट करें सर। वर्मा सर, आप अपने को अनम्यूट करें, साथ में आप तो हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके फाइन, जी अब अब ठीक है। मुझे मुझे जो है मेरी फाइल पर जाना पड़ेगा ना, हाँ तो जी, वो हाँ फाइल जी पर मैं कैसे जाऊंगा? ओके, आई एम ट्राइंग टू सर, पहले गो, आप स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर लीजिए। वो मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड जरा। एक सर स्क्वायर जो है जी, उसपे सर क्लिक कीजिए, और उसको क्लिक किए हुए रहिए सर, तो डायरेक्ट क्या है ना सर, वो स्क्रीन आधा आधा बट जाएगी। ये असल में नई चीजें, ये नई नई चीजें हैं, ये नई चीजें। या मैं इसको अपनी फाइल तक पहुंच गया हूं। हाँ, अब बस इसको ऑन कर इसको लीजिए, अब मैं इसको जाकर कोई के नहीं। ये स्क्रीन शेयर पर पहुंचता हूँ, और ये हो गया है अब, बट जी आई एम आ येट गई टू है। गो। ओके, स्टॉप शेयरिंग, योर शेयरिंग योर स्क्रीन, बट मेरी स्क्रीन आएगी कैसे मेरे पास? मुझे ये वापस जाना है बैक, अपने स्क्रीन पर। हाँ जी, हाँ, और पीछे जाइए आप।
वो तो अपने पावर पॉइंट पे। हाँ अब विजिबल हुई? हाँ जी सर। हाँ हाँ ओके गुड थैंक्स अ लॉट। एक्चुअली पहली बार मैं कर रहा हूँ, सडनली आज धोखा दे गया है ये जो मेरा सिस्टम है, ये होती है प्रॉब्लम। एनी इट डजंट मैटर, वी आर लिविंग इन अ स्मॉल सिटी। तो ओके सो ये अब खुल गया है फाइन जी, बस ठीक है थैंक्स। तो चलिए जी बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी ये है कि आज के इस द्वितीय परिचर्चा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और डॉक्टर साहब के आने से पहले हम लोग जो विचार कर रहे थे, उस विचार में दो तीन बातें मैं आपके साथ तुरंत साझी कर लेता हूँ बहुत संक्षेप में। कि डॉक्टर साहब ने कल जिस तरह से हमें वैदिक ज्ञान से लेकर के और दर्शनों तक पदार्थ की अवधारणा और उसके जो समान धर्मा जो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट से उनके ऊपर उन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक चर्चा की थी, और हमारे लिए वो एक नई दृष्टि का खुलना ही था। और उससे ये हमें पता लगा कि फिजिक्स और संस्कृत के लोग एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं और एक दूसरे की बात को अप्रिशिएट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास कई और प्रश्न भी थे, और जो हम अब परिचर्चा में बाद में लेंगे, जिसमें से पदार्थ को के स्वरूप को और उसके जो परिवर्तन है और उसके साथ साथ और जो उसके गुण धर्म हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। लेकिन इस वक्त डॉक्टर साहब के लेक्चर के बाद हम उन विषयों को लेंगे। और अब समय ज़्यादा ना लेते हुए, जैसे कि हमने कल बातें की थी कि पदार्थ का संस्कृत में रूप क्या है और उसके कितने आगे जो भेद हैं उन भेदों पर हमने थोड़ी सी चर्चा की थी, और उसको कैसे देखना समझना है, और साइड बाय साइड जो है वो फिजिक्स में वो चीज़ें कैसे आ रही हैं, इन सब को हमने कल देखा था। तो डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो अपनी परिचर्चा को अग्रसर करें और हमारा जो है वो ज्ञान का और दृष्टि का विस्तार करें, और उसके बाद फिर हम प्रश्न उत्तर लेंगे। थैंक्स जी सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक्स डॉक्टर अंग्रेज जी, धन्यवाद बहुत बहुत, और सभी मित्र जो जुड़े हुए हैं उनको नमस्कार। सभी का दिन शुभ हो इस कल्याण कामना के साथ मैं अपना चलता हूँ। अभी हमने मोटिवेशन में जो ये कुछ मुद्दे रखे थे, मोटिवेशन सोर्सेज ऑफ भारतीय दर्शन, ऋग्वेदिक आइडिया ऑफ क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन, देन मेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैटर, दिस इज दी एक्चुअली मेन थीम ऑफ माय टॉक, वेयर आई विल प्रेजेंट थ्री व्यू पॉइंट्स। वन इज प्लुरलिस्टिक, सेकंड इज डुअलिस्टिक, थर्ड इज द यूनिटरी व्हिच इज द कल्मिनेशन ऑफ वैदिक विजडम। आई होप आई एम ऑडिबल देन, इट्स ओके। यस 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 जी, मैंने कल मैंने इस चीज पर देखा, फिजिक्स से रिलेटेड थी, तो मैं एक आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी की है सर, वैदिक वेद विज्ञान आलोक, उसके बारे में सर थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च की। तो सर फिजिक्स रवि जी इसको हम बाद में लेंगे, दैट इज अ गुड आइडिया, क्योंकि फिर मेन थीम से थोड़ा हट जाएंगे। हाँ, वो उसको हम आपके प्रश्नों को और आपकी टिप्पणियों को हम बाद में लेंगे, अभी इसको कंटिन्यू करें क्योंकि हम समय से थोड़ा पीछे चल रहे हैं। जी कुछ मैंने कर गए हमारे, और फाइनली रिलेशन विद मेटाफिजिक्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हाउ कॉन्शियसनेस इज टू बी ट्रीटेड, व्हिच इज रियली अ चैलेंजिंग क्वेश्चन। West, actually, if you go to internet or anybody, there is no proper definition of consciousness, especially with respect to Western, point of view. And even in East, we probably do not understand it well, because these are the real core issues, which are to be experienced rather than defined. Anyhow, I will touch a little bit of that, how the idea of consciousness can also help us to improve physics as well as our viewpoint. Anyhow, so this I had covered, so I will jump over these things and go to the straight away. But those, if there is anybody, I just want to say that roots are lying in all the Vedic Rig Vedas, and which are growing well in Upanishads. Finally, they took shape in these 12 in Bharatiya Darshan.
out of them six are orthodox and six are heterodox. By orthodox we mean that they accept Vedas as the authority. Professor Verma. Does the other one don't anyhow? Professor Verma. Anji. Can you kindly hear me? I cannot see the screen very well. Is it because I am on computer? Can somebody help enlarge the screen part of Professor Verma? I am also new to this, so I will request somebody from the audience can help. Sir, आप क्या कीजिए ना, जब आपका स्क्रीन है सर उसमें एक कितने लोग दिख रहे हैं सर उसमें पूरे? नहीं, हाँ 10 लोग. 10 लोग है ना सर, जिसमें जो स्क्रीन शेयरिंग स्टार्टेड है ना सर उसपे एक दो ऑप्शन होगा, एक पिन का दिया होगा सर और एक स्क्वायर किया हुआ होगा सर खाली, जैसे HDFC का एक लोगो है सर वैसा होगा. जो HDFC का लोगो है सर उस पर क्लिक कीजिए तो स्क्रीन सर सर का दिखने लगेगा. सर एक्चुअली वो मोबाइल से शेयर कर रहे हैं ना इसलिए वो थोड़ा क्लियर नहीं होगा. नहीं सर, क्लियर है सर, वो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से क्लियर और अनक्लियर दिखती है सर. मेरे पास मतलब है कि वो थोड़ा स्क्रीन कट के आती है, वो थोड़ा छोटा दिखाई देता है. बट एनीवे लेट अस कंटिन्यू विद दिस. अगर स्लाइड्स नहीं दिखाई देंगी जी तो हम आपका ये कैसे समझ पाएंगे? सर स्लाइड्स तो दिख रही है. उसको जो है ना पिन कर दीजिए, इसके आप स्लाइड को पिन कर दें, स्लाइड के ऊपर जाइए और आप अपना कर्सर जो है उसके ऊपर ले जाएंगे तो आपको उसमें दिखाई देंगे 3 चीजें. हाँ हाँ, तो उसमें वो जो पिन सा है उसको बस आप क्लिक कर दीजिए. वो तो गायब हो गया. नहीं छोटा हो गया. नहीं, उसको पिन कर दीजिए, बस उतनी ही स्क्रीन दिखाई देगी क्योंकि ये मोबाइल से शेयरिंग है ना, तो इसलिए वो थोड़े कंपैरेटिवली छोटी दिखाई देगी आपको. ठीक है जी. I will try to manage. जी सर, सर रिक्वेस्ट यू टू कंटिन्यू सर. ओके थैंक्स. So then, as I mentioned, there is a tremendous information, knowledge and wisdom available in great Vedic knowledge almost in all the branches of our society, whether it is science or humanities. So one has to look at there. Unfortunately, lots of them are yet to be, large number is yet to be properly translated, and what to say about the to understanding. Anyhow, then finally, I talked about basic Rig Vedic ideas of creation and dissolution, and that, as I mentioned, that Hiranyagarbha Sukta and Nasdeya Sukta are really great Sukta, which tell us about the beginning of universe and also the its further development. Besides, the Rig Veda introduced 2 interesting concepts, actually 3. Those are Satya, Rit, and Vishwajyoti. So cosmic energy behind everything. So here we see the origin of something like Tantric Shakti and also even other ways, like which Patanjali Yoga Sutra commentary says about how energy plays a role in this direction. Anyhow, but then they also talked about parallel, where everything will actually return to the source. And anyway, probably we all agree that Indian concept, Bhartika concept, jo hai, wo oscillating universe ke taraf hai, ke hum cycles mein, srishti aur parallel ke cycle mein hi guzar rahe hain. Aur शुरू में ऐसा लगता था, अभी भी कुछ लोग मॉडर्न फिजिक्स में ये मानते हैं कि बिग बैंग इज द बिगिनिंग, जहां हम T=0 से शुरू करते हैं. बल्कि इनफैक्ट सही मायने में बिग बैंग हमें ये भी बताता है कि भाई ये जो है स्पेस टाइम एंड मैटर एनर्जी ऑल बॉन्ड टुगेदर आउट ऑफ दैट सीड. एनी हाउ दैट इज डिबेटेबल पॉइंट, मे बी वी कैन टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम. हाउएवर रिसेंटली 3 years back, आई मीन one great gravitational cosmologist got the Nobel Prize, Roger Penrose. He talks about that Big Bang is not the beginning of this universe. Actually, it is the end of the previous universe. So it means slowly, this idea of oscillating universe is penetrating in the mainstream also. I hope people will accept it, and which, of course, is consistent with the
भारतीय दर्शन. देन आई इंट्रोड्यूस दीस थिंग्स एंड आई विल गो. देन आई फाउंड दैट उपनिषद्स टेल अस अ लॉट अबाउट हाउ क्रिएशन स्टार्टेड. In fact, when I will be presenting three viewpoints, that is the pluralistic and dualistic and the unitary, we will find that seeds of all those are already available in this Upanishadic literature. So I come back to this point that there are three. So that is the starting point of today's talk. Schools of Bharatiya Darshan on physical world, they present three representation of matter and of course universe, space, time altogether. One we can call is the pluralistic representation, where Kanath, for example, is the leader, wherein his Visheshik Darshan, he is the founder of that view, that the nine fundamental elements are required, which I will talk in detail later on. And incidentally, other Darshans, Nyaya, Mimamsa, Jain, Hinayana, Charvak, they agree to that viewpoint, but they introduce their own ways, their new dimensions with small differences here and there. Then these nine elements, somehow we will see, can be reduced to two. And we have then a dualistic representation, and Sankhya is the representative of that school. Yoga accepted totally, and we find similar views in Tantra also. And then the culmination of the Vedic wisdom appear when they develop the unitary representation. And there are only one. Actually, it is wrong to call it one. The better term is non-dual, no two. So Vedanta Darshan, Brahma Sutras particularly, then that is the first talk, first text, which reveal quite a good detail of that. And Kashmiri Shaivism and Mahayana subscribe to similar views, though they have their own way of looking at things. So the point is, what I will focus, I will mainly focus on Visheshik, Sankhya and Vedanta. But at the end, if time is permitted and friends are interested, I will compare these other one also with that. And if my friends welcome me, I offer to continue this series rather than finishing it shortly within small time. I have been always doing it. One can manage to speak in a smaller time, but then the whole charm is lost. And interestingly, I'm so happy that so many questions were asked yesterday. I'll start with the pluralistic representation. So first I show that there are the roots of five element theories lying in Upanishad. By the way, hardly there is one or two Upanishads which talk of five elements, but on the way, they introduce one by one. For example, if you look at Brihadaranyaka Upanishad and Chandogya Upanishad, it mentioned in the beginning, primal water up alone existed. From water was born truth, which produced Brahma. So here we have series. By the way, this comment I have already made that probably this primal water or up should not be confused with ordinary water which we drink. So it is a deep conception which has to be properly understood. And in fact, the audience here are experts in Sanskrit. They may reveal various dimensions to up. So I personally feel this is not ordinary water. Though apparently life starts with ordinary water on the earth, but maybe they got this idea from somewhere else, from this thing that water is the source of life. But this up must be different. So this we will see later on also. By the way, just as a comment, the primal water as the beginning, this we also find in Nasdya Sukta. In that it clearly says that up is the beginning, whatever it means. Anyhow, then we find Katha Upanishad says fire. Tejas actually have entered the universe, assumed all forms. Fire was the first to evolve from the primal reality. So ordering is also important. Look at the first, the Aap is first, then Satya was born out of it, and then finally Brahma is produced. This is interesting, and honestly speaking, I don't feel that I really understand it well, because when we go to the Vedanta, we are in the habit of, I think, having Brahma as the beginning. So these are the issues which I keep open.
and your comments would be welcome. But then Kath Upanishad says fire, when fire is again not only fire, it is Tejas principle, which is the source of everything else. Then in Chandogya Upanishad, particularly, I'm sure people must be knowing it, he clearly introduced the idea of air or vayu is the final absorbent of things and is the origin of them all. When fire is extinguished, it goes to the air. So they somehow they're trying to connect one element with other also. Then in Chandogya Upanishad, for example, they say, all being emerged from Akash. This I have put in the bracket space. I will comment upon that soon. Finally absorbed in Akash, and after Akash, all things are born. Personally, and it is a strong comment, and I want to assert it, when we translate Akash as space, it's not right. By the way, space also, when we talk about, I have been talking to my physics colleagues also, even in physics, people do not understand space. For example, we have in our department, space physics department. It focuses mainly on antariksh part. Jo humare charon taraf vayumandal hai, wo usi mein study karte hai, wahan electricity kya kar rahi hai, kya nahi ho raha hai. Space physics usi ko mante hai. Jabki hum thoda aaj ke universe ko dekhe, jisne hume bata diya hai ke we are having billions of galaxies and each galaxy has billions of stars. So there is a lot of space between them. So that is the true space, beginning space. However, I continue with my comment that even that space is different from Akash. Later on, when we talk about Vaisheshik, we will see that space, which we understand today, is called Dik. So this Akash is something which is the root actual element later on. So please, it is just a comment. We are open to talk about it. And then the point is slowly, though different Upanishads present one element, separately, but we find slowly people realize that no, we need many of them. For example, in Chandogya Upanishad, they say, Brahm, desiring to be many, created fire, Tejas, Aap, and Kshati, fire, water, and earth. But when we go to Aitreya Upanishad, it clearly says all the five elements are mentioned and they are properly connected to the Brahma. But when we go to Taittiriya Maitreya Upanishad, we further find the idea of element of five, doctrine of five elements moving in space and time. So here we have a literal distinction between Akash and Dik. So Dik is space and Kal is time. By the way, there is a small note and it is a very important note, and I hope many of my friends here must have been aware of this book that is Sanskrit Non-Translatables by Rajiv Malhotra and Satyanarayan Dash Babaji, which is recently published in 2020. I had this feeling throughout my life, because we were taught in a tradition where we were told that English is a great language, and if you translate Sanskrit into English, Sanskrit gets improvement, it gets broader, it gets deeper in meaning. I strongly disagree. In my personal opinion, though you may call it political, it is not political. I find that Western languages, particularly Sanskrit, is not able to comprehend Bharatiya wisdom. ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है और ये बात मुझे यहाँ खुल के कही गई मिली हुई है कि इंग्लिश इज डेफिशिएंट इन इट्स एबिलिटी टू एक्सप्रेस द प्रोफाउंड मीनिंग ऑफ वैदिक शास्त्रस फॉर विच संस्कृत वर्ड्स मे बी नेसेसरी टू प्रिजर्व ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स सो रेदर देन ट्रांसलेटिंग इट इज बेटर टू कीप देम एज सच बट आई हैव मेड कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द टू अप्रोचेज इन दिस टॉक For example, he says, Tattva Agni is not fire, ordinary fire. It has three levels. And I'm sure all of my friends here who are expert in actually Sanskrit, they know it already. So I'm not telling them anything new. That is Adidevik, Adhyatmik, and Adibhautik. So there are three dimensions of Agni, that is physical, human, and divine. So it means when we say Agni, we mean all of them. But when we say fire is only physical fire. So this particular distinction is very important, and I'm happy to find that in this book, Rajiv Malhotra ji and Das Babaji, they have given more than 50 terms
and given them a more appropriate meaning. So this as a suggestion, but I don't know whether we will change this tradition of keeping the Sanskrit word as such and rather than translating. So it is a point to be considered for all the actually experts. How do we move further in this direction? Anyhow, so I come to now the main thing, and that is the sage Kanad. We all should actually have honor for him, high regards. As I mentioned, that his work is the oldest work when we see all this comparison. This can be actually debatable. But what we find is he's the first founder of realism, which is one of the modern metaphysics now, and of course Parmanus, and the great principle of causality, which connects all the events of the universe. So his Visheshika Darshan is a good representative of pluralistic representation, where we find full exposition of matter and universe in detail in his Visheshika Sutra, which includes matter, space, time, causality, and observer. And an excellent commentary. There are many commentaries, but I don't have access to all of them. But luckily, I could find Prashastapad Bhashya, though again, it is difficult for me to understand it. It is so big and so much. But here and there, I find certain interesting information available there. So when I'm talking about Visheshik, some of the points I might have taken from Prashastapad Bhashya. But mostly I have focused on the original Visheshik Sutras. So by the way, now what is the key feature of Visheshik school? It is very important. It has, first of all, very important role in the growth of physical ideas in India. This I am saying just to remind, most of the time we were told actually like that Sanskrit is a dead language. Jyada se jyada Brahmano ka kaam hai. Bas ye mantra shantra padhenge aur kuch nahi karenge. Aur jyada se jyada aapko moksha ki taraf le jayenge. Jo of course should be the main motive of life. However, we find no tremendous information about the physical world in physical ideas are available in these great literature. Though the ultimate purpose of all the six schools, actually all the 12 schools, remains going to the salvation state or moksha state, whatever it means. I will touch here and there some of these aspects. Salient features of this school is that universe is objective. No doubt, aaj ka universe jo hum physics mein padhte hain, shayad us waqt ke na bhi aaya ho. So, then second is it introduces 9 elements, because Vedic universe jo hai wo hame teen hisson mein bata hua milta hai, prithvi, antariksh aur deo. So deo is that part where all other galaxies might be lying, and I am enthusiastic to see that many of friends want to explore different physics ideas in Vedic literature. All those efforts are welcome, though I personally don't care whether we have modern physics as such in the old ancient literature or not. Then thirdly, is very, very important thing is ultimate constituent theory. This idea that we are made up of some constituents is a great idea. And in fact, the modern physics depends totally on it. Even the Feynman, who is of course the Nobel laureate, gave his quantum electrodynamics, mentioned somewhere that suppose you are asked to lose all the information knowledge you have, but one line which can be preserved. He says, preserve this line, that everything is made up of essentially ultimate constituents. So this penetration into the existence was made by Kanad long time back. So he talks about atomic theory, goes into some detail, and finally how the all the events are connected through the principle of causality. I have given our original shloka also, where you can follow it further, that it says that the universe is eternal and permanent. Of course, it will keep on changing its phases. So this universe is single, external, eternal, existing, independent of mind. That is the point. Then things are made up of basic elements, which are also eternal. By the way, just as a comment, the 5 element theory which we have in Visheshika quite elaborated,
continued, dominated the understanding of the whole world as late as 18th century, where when Boyle came and told us that hydrogen, oxygen-like things are more elemental rather than going into this, they confused fire, earth, water, another thing with the states of matter. This is another way of actually putting it. We can think of five elements as states of matter, that is solid, liquid, gas, plasma, etc. But we will see that those are represented by Mahabhutas. So I distinguish between Bhutas and Mahabhutas. Bhutas are the basic elements and Mahabhutas are the gross object. I will touch that. So once the elements are produced, one after the other, through divine will, and here we find some connection with the so-called spiritual thing. Otherwise, apparently, Kanaj avoids talking about this. A big cosmic egg is produced out of which Anu, and this is again a small comment. In the modern age, we are more in the habit of calling Parmanus, that is ultimate constituent. But just for accuracy's sake, the word Anu is used in Kanaj. But its meaning is actually Parmanus. Atoms of five, these elements, and out of the egg, further creation of things in the universe take place. And they can be of two types. One is yonij, the other is ayonij, sexual or non-sexual. In fact, he goes further into a detail of defining non-sexual and compare it with Brahma's creation of the world and so on. But I want to keep crisp, so I have not talked about that in detail here. Then dissolution can also occur. What happens? Yeah. Creation happens when these primary atoms combine together to make the appearance of the gross objects finally, and the whole event take place. But ultimately, all these union of primary atoms is not permanent. It can break, and it does break. And when it breaks, then paralaya happens. Paralaya ghatana shuru ho jayegi. Then there comes after that. Jab ek baar paralaya ho gayi aur ye atoms apne original form mein jahan ye aapas mein connected nahi hai, wahan pahunch jati hai. There comes a time when every product gets destroyed and reduced back to its ultimate cause. That is the Parmanus. Then there is a period of cosmic rest. After this period is over, again, out of those very atoms, a new creation takes place. And first time, here Kanaj, normally Kanaj says that these atoms, these Parmanus are not moving. They don't have any motion in general. Motion has to be produced later. However, when it starts, when he talks about the beginning, that is a new creation, he does permit some kind of jittery motion of Parmanus in the beginning stage. Probably that initiated the whole thing. This reminds me of something like zero point energy, where we have things but not too much energy, but all these points are some seeds where we can think of many dimensions. So this cycle of creation and destruction has neither any beginning nor any end. It continues ad infinitum. So these are the basic views. Then as Dr. Angures has already talked about it in his introduction yesterday, in Visheshika Darshan, substance is considered to be the most important, which we say Padarth. The word is Padarth there, Pad Jama Arth probably. And of course, this is most important as it is the first of six categories. And of course, substance has a special role. It is substratum for other category. What are other categories? Gunas, karma, samanya, vishesha, and samvai. So these things are elaborated further out. So actually, it is a big text and going quite in detail. So we all probably understand, as was explained yesterday by Dr. Angures. But vishesha word is very, very important, because this word gives the name Visheshik Darshan of Kanaj.
particularity, because when we look at physics, we say the fundamental particle, that is fundamental constituents, they are all identical, means all electrons are identical, or quarks are identical, or some protons are identical. So we can't distinguish by any other means. They have Amit properties, but they are same. I mean, if you replace one by the other, then you can't distinguish the whole state. But Vishesh is very important, and probably here some kind of supernatural or conscious connection is shown. Maybe sages only can distinguish between one Parmanu from the other through this Vishesha. Anyhow, I will probably touch it again. So substance is defined as to possess action and attribute and the combinative cause. This is important because substance is going to be the cause of everything else. And this I had also mentioned yesterday, that for physics also, most important question is, what is substance? So the whole focus of physics remains, after all, substance is matter anyway. But, and we will slowly see, as in our Bhartiya Adarshan, substance starts losing its solidity as it goes further. So the concept also become very loose, and sometimes we find substance is actually without a substance there. But that is what we will see when we go to the Vedanta. Right now, substance is there before us. It is objectively present. Then we come to the nine element theory. Formally, substance, as we see ordinary around us, is non-eternal. So this again we have to distinguish, because what we see around is either non-eternal or eternal. So the gross objects are non-eternal. However, the Parmanus or Anus, whatever you take, they are discrete. And the continuum of Dik, Kal, and Akash, all these are eternal. So the five elements, earth, water, air, fire, earth, ether, constitute the objects in the universe. Then space, that is Dik, and time, Kal, provide eternal continuum background of the creative and other processes, whatever changes we are seeing around. Then mind is introduced. It helps in organization of produced matter into structures capable of experiencing pleasure and pain in association with the self. By the way, because my talk is focused on physics perspective of Sanskrit Sahitya, so therefore, I am avoiding going into the details of mind and self. Though Vaisheshika Darshan is very rich, talks quite a lot about mind and self and its purpose and so forth. So the point is, he does introduce the element self as ninth or separate element, and he needs mind to connect matter with self so that one can experience pleasure and pain. So pictorially, this looks better. If I say nine basic elements of Vaisheshika, ninth in self, which I have kept totally out. So substance can be divided in two categories: eternal, non-eternal. Non-eternal is a composite matter, which of course is going to decay, going to decompose as time passes. Then eternal substance can also be divided in two categories: discrete and continuum. So in a discrete, we have earth, water, fire, air, which is material. But mind, which is non-material, is also counted in the discrete type. When we go to the continuum, we have material, that is Akash, ether, and non-material, which are space and time. So here we find that Akash is slightly different from other elements. Akash is continuum, whereas earth, water, air, Parmanus are discrete. So this distinction has to be kept in mind. Then he gives quite detailed properties of five elements. So this five element theory is based upon the fact that our senses are being affected by the elements in five different ways. Aank, naak, kaan, jeev, jo hum dekh rahe hain, chaar dhar, aur skin. Sensation and perception starts our source of information. That is, the first source is sensation.
which we have in very rudimentary form of life, and then perception when eyes and nose and ears start developing. So, but the whole thing which we see around is through those sensation perceptions. So probably these five senses are responsible to identify these five element theory. And even though in modern physics we have now 118 elements, and we go into the proton, neutron, electron structure, and go into the quark structure, so on and so forth, but still these five element theory has a meaning, has a relevance when we go into the real life. So they are still helpful in understanding in ourselves, our role, and our behavior in actual society. So even though it has lost its status in physics, but still it is meaningful in base, as I have been saying. In fact, elements are said to generate corresponding sense organs. So here the role is switched. We perceive these five elements through our senses, but these senses were actually produced by the elements themselves. So this is just a viewpoint here given. Then these five subtle elements, which I call bhoot, are not ordinary earth, water, air, fire, which are the basically states of matter. We have solid, we have liquid, we have gas, we have plasma, and we have few more. But here he says that five elements are the basic constituents of universe. Then five gross elements, which are mahabhuta. They represent solid, liquid, gaseous, plasma, and field states of matter. This is what I am trying to say here. But then, as you know, that he talks of qualities and that is, properties. Probably, if I remember exactly, Visheshika gives 17, here I have mentioned that gives 17 attributes. Later on, Prashastpadji introduced 7 more. So around 24 are the attributes given in Visheshika Darshan. So some are common. For example, when I compare the properties of these elements, we find number, dimension, distinction, conjunction, and disjunction are common properties of all the five elements. And as I see here, Rupa, Rasa, Gandha, Sparsha, Sankhya, Parimana, all these. So other properties are shared. Some of the elements have some special properties, which I will talk. But some of the properties like sukha, dukha, ichha, dvesh, they belong to the mind rather than the actual element. So they are totally separate. So if I talk about these elements separately one by one, then I find kshiti, that is earth, its special qualities are gandha. Other qualities are color, taste, touch, proximity, gravity, fluidity, and faculty. And it also says kshiti has a motion which generates vega. This is something probably coming from Prashastha, because he talks in quite detail about the motion of objects. By the way, just as a comment, I have avoided because of I wanted to keep talk in a certain way. I have avoided talking into the description of motion in Visheshika, which is very important concept from the physics. Some people claim that Newton's laws are there in Visheshika Darshan. I don't want to go into the contention of that part. However, I do find Visheshika does spend quite a lot of time in talking about motion. Further, it also introduced an important concept of impetus. Impetus is something which is recognized by Western scientists quite late, maybe around 8th century or even later, but we find here in that. So those who are interested can go into the Visheshika and find out where. And if you permit me some other time, I may prepare something for a concept of motion as given by Ganath himself or even Prashastpad later on. So, but this is important to see that kshiti has motion which generates vega. So it is somehow trying to distinguish between vague, between motion, and here my friends expert in Sanskrit can elaborate further, because often we get confused what is the meaning of karma, what is the meaning of vega, and so on and so forth. So, but this required a separate discussion which I am avoiding. So I am not contradicting that Newton's laws, but I want to say is we don't have to worry about whether the Newton's laws are there or not. We have to see how
we perceived at that time, and we don't have to compete. So it is, of course, Earth is Kashyati is by nature solid, but of course under certain condition, when Kashyati comes in contact with the heat, liquidity, which is the natural attribute of Earth, is produced. That is why, if you look at the top, along with color, taste, touch, proximity, Gurutav, fluidity is also included, because fluidity is a property of water that is up. But when heat is there, then liquid, this earth can also show the thing, show its attribute of fluidity. So then we come to up. Up has a special quality of taste. It has a natural attribute of liquidity. Its color is taken to be white. And it has other qualities. Those are color, touch, distance, proximity, gravity, viscosity, snigdhata, gaadhapan. Then Tejas, it has a special quality, color, and other qualities are touch, distance, proximity, fluidity, and faculty. This I don't understand. What is the meaning of faculty? Probably the original word is not given in this shloka also. The Visheshaka believes that Tejas is stored in the world because of which all chemical changes take place. So this is very important. It is aware of Tej and how Tej can influence the whole things which are happening about. So we are coming quite close to heat, temperature, and of course energy, which is the factor responsible behind chemical changes. Then come to Vayu. Vayu has the qualities touch, distance, and faculty. And Vayu has oblique motion, Tiryak Gati, and is always in motion, Satat Gati. Among the bodies, it has a swift at motion. उस वक्त उनको यही लग रहा है इससे ज्यादा स्पीड किसी की नहीं होगी. विशेषिका आल्सो एडमिट्स द मैग्नीट्यूड इन ऑर्डिनरी एयर. दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज नॉर्मली व्हेन वी सी अराउंड वी डोंट फील एयर, सो वी नॉर्मली डोंट एसोसिएट एनी मैग्नीट्यूड विद दिस, बट इट एडमिट्स दैट नो द एयर आल्सो हैज सर्टेन मैग्नीट्यूड. देन आकाश. आकाश इज डिवाइड ऑफ कलर, टेस्ट, टच एंड ऑडर. So it is not directly perceptible. It has special quality of sound. And this is again confusing. This is very important point, because normally what we see, the ordinary sound which we have in physics require air as a media. So this, when I read it first time, long time back, maybe 80s or 70s, I got puzzled. Why they associate the word sound with Akash? Because we all know that sound requires space as a, sorry, sound require air as a media. So Akash is not really. So probably this word sound is something different. Shabd or a vibration, for example, is indicative of the character of Akash. But this shabd or vibration probably is not the conventional sound which we are all hearing now, for example. It is something deeper. And as Pavanji asked the question about Anada, probably that Anada is the coming out of Akash. Akash is the source of that Anada. I may or may not be wrong. This is very important concepts of which I will elaborate further, because I had done something on those questions, but I couldn't show because that's not available in this PPT. Maybe some other time we can do that. And I asked a great friend, Rama Subramaniam. I met him recently. I said that how Akash can have a number as a property, because Akash is just moving around. Then he pointed out that, look, friend, the Vishesha Sutra itself says, being one by existence, so you can associate number one with Akash. So that is why Akash has a common property or number. But it is one and thought to be infinite continuum. So that is the first time we find something which is continuum and which is infinite. Other elements are, as we have seen, finite. And thought to be infinite continuum, it does not obstruct objects passing through it. This is a very important thing, because it says that it has no actual resistances. However,
Some thinkers even suggested that Akash possesses a sort of motion in the beginning of creation. This is something which is very important, and honestly speaking, I can't say what it exactly means, but it is tempting for me to have this kind of a view. But original Visheshaka is probably silent on this issue. Then we are Dik, so this is very important, space. So that is here we find there is a difference between space and Akasha. Akash is element. Relative positioning of objects presupposes the existence of Dik. We imply Dik is there because we have distances between different objects. It is one. Supersensuous means we cannot directly experience space. We can infer about it, but we can't experience it. It is supersensuous. And of course, it is uniform and does not possess any movement. These are the things which you have to keep in mind. It is not a material cause of anything. Dik differs from Akash in that it has no specific quality, though it shares the common qualities with Akash. So this is the differences or comparison between the two. Then we come to Kala, time, cosmic order, sequence of phenomena observed, which we see every day, that first thing is first, second thing is second. This ordering implies the existence of time. Why I am spending little time on this? Because when we will go to Sankhya, Sankhya denies the objective existence of Dik and Kala both. It will say that it is only mental construct. But anyhow, we have to wait for that. So cosmic order of observer, which we see around, it implies the existence of Kala. And it is empirically divided into three parts, that is past, present, and future. The time, that is Kala, is the instrumental cause of creation, persistence, and destruction of all the objects. This is very important because Kala, creation, persistence, and destruction is very tempting for me, as I mentioned yesterday also. For us, quantum field theory, starting from classical mechanics, then we move on to quantum mechanics, and finally we find even quantum mechanics is not sufficient to give us all the answer. It around 1950s, finally the first quantum field theory of electromagnetic forces was developed very successfully, and that I call the culmination of physics, in the sense, because in physics it's very important for us to match theoretical results with the experimental results. The more decimal points we have, the more number of digits we have in a number accurately matching with experiment, the more confidence we have in the theory. Interestingly, quantum electrodynamics, which is quantum field theory, it has agreement with the experiment, say regarding magnetic property of electron, up to 14th decimal point. Now somebody is saying that probably at 15th point it may show disagreement, but not, I'm certain yet. However, even if such a a disagreement come, it will only tell us there is something beyond also. And we all have already other actually forces, like strong forces, nuclear forces, weak forces. Their quantum field theories have also been developed. So together all, they keep on improving the agreement with actually experiment. So we have good faith. So if, as a physicist, I can say that quantum field theories are the final theories which give us the viewpoint of reality today. At today, more and more things may happen tomorrow. That is a separate issue. But the point, interesting point, is these quantum field theories, field is not just an entity. In old physics, chronologically, physics has two parts. Before 1900 physics and after 1900 physics. I am sure that Ravi Sharma ji asked a very interesting question, which I will elaborate probably today or tomorrow, or maybe next time I'm properly speaking. The view of causality in classical physics and in quantum physics are different. Causality we require, but they are different. So we have more faith in quantum field theories now.
And a few years back, the three great people got the Nobel Prize that quantum theory is the real theory. So in that theory, we have field not as an entity, but as an operator. And that means functional role. It's operational role. And those roles are of three kinds. We call them creation operator, destruction operator, and number operator, that is actually maintenance operator. And as I mentioned also yesterday, Sakurai, a great physicist, he compared these three operators of quantum field theory with the three fundamental gods of Hinduism, Brahma, Vishnu, and Mahesh, which we find here mentioned in one way, not exactly in the form of deities, but in the form of happening that cause time in a way, Kala. Kala is the instrumental cause of creation, persistence, and destruction. And we all know Shiva is Mahakala. So Kala here is an entity. So Mahakala is behind all those things. So which is responsible for all the things happening around. That is, they are being created, they are being maintained, they are being destroyed. By the way, space and time have objective reality. According to Visheshika, they are eternal. And they are all pervasive. They are there. So these are the slopes I have mentioned here. Then we come to this important part, atomic theory, where we find, although particle physics is one of the most advanced branches of physics, earliest atomic theory are at least 25 years, and a road maybe actually more. So Parmanu is the ultimate constituent of matter, which cannot be perceived by any sense organ. This is the view of Visheshka. So each of the four elements, that is its own, they have their own actually classes of atom with particular attributes. For example, earth atom, water atom, air atom, fire atom. So earth atom has the attributes of water as a special property. Water atom has an attribute of taste. Air atom has the attribute of touch, and fire atom has the attribute of color. So these attributes are inherent in an atom, in the Anu or Parmanu, or eternal. So their attributes are also along with them, though of course they are being carried by the atom, but both are coexisting and they are eternal. Fifth element, Akasha, has no atomic structure. It only fills the space between atoms of other elements. So then going to the properties of atoms, it has the smallest and shortest dimension, suggesting a spherical shape. And people have a debate on this. When I say people, I mean people who had actually commented it. So they reached this conclusion that the Parmanu should have dimension of a spherical shape, which agrees with physics also. Being indivisible, Parmanus are impermeable. We can't go inside them. They are indivisible. So that way, this Parmanu Anu of Kanada should not be confused with the modern modern physics. So the question is, ultimate constituent is the right word. And even though today we have in physics, we consider quarks and leptons, like quarks and actually these electrons, these are the fundamental particle. But since their number is very large, 32 or maybe slightly more, because 6 into 3, 18. 18 plus 6 into 24. And then there are few other particles. So it looks foolish that God would start with the game with the 42 particles. So some people have already suggested they may have their own further sub structure. However, as far as the experimental part is concerned, because physics is always guided by experiment, you can suggest anything, but nobody will stop you. But it will accept acceptance only when we have experimental confirmation. So even though today we say that quarks and leptons are the elementary constituents, but we are not sure. So whereas when Kanad says ultimate, constituents, they are indivisible. They are the final ones. And these atoms, Parmanus, are in eternal motion. They are all the time moving. Each atom is qualitatively different from all others, possessing the vishesha, unique specificity. And as I mentioned, probably sages can distinguish one vishesha guna from the other one. Leaving aside this property, all Parmanus of one element are identical. So this is important. So
Kanad is aware of identical character of elements, which are very crucial for quantum physics also. By the way, just as a comment, before 1900 physics, that is called classical physics, all objects, everything is distinguishable. They are separate. They are not identical. Whereas in quantum domain, when we enter, we find that all atoms of same type are identical. So this concept is important, identical. But over that identical character, Kanad talks about vishesha, and which is of course very important concept because it gives the darshan its name. By the way, they also spend time on light, particularly the commentaries. They say, because in light in the beginning, why I have included light here, but for physics, light is very important. And this, what is light, how it behaves, had revealed lots of things. I mean, some people said in the beginning it is wave, some people said it is particle, like for example, Newton said it is particle, so people believed. But around 1835, or so, Thomas Young performed experiment which convinced people that light is a wave, and people were happy, now the issue is settled. But around 1900, Planck had to assume that light must have some kind of quantum behavior, discrete behavior, that is particle behavior, without which we cannot progress further. And that is where the birth of quantum theory happens. So that is a very important point. So light has been mystery, and by the way, in our literature also we find both kind of views. Some people say light is a tarangaviti, that means light has a wave-like behavior. And in some book, for example, here, light is regarded as corpuscle, that is particles emitted from the source. So kandaviti nyaya. So these are the two viewpoints. Ultimately, after 1900, we have to understand. We have to accept, actually, not understand. We still don't understand. The light has a dual character. It can behave like particle. It does behave like particle. And as a piece of information to my friends who are not aware of actual physics much, this particle and wave behavior are actually of the same entity. Same entity. Okay, let me give you an example of electromagnetic spectrum. As we see, we all are aware of Vibgyor, that is visible, spectrum. But light spectrum does not end there. Before violet, we have ultraviolet, X-rays, and gamma rays. And beyond the red, we have infrared, that is essentially heat. And we have microwaves and radio waves on which whole communication, even this talk is going on using those things. So they all are basically same. No color anywhere. Color is perceived by us. However, all of them are essentially electric and magnetic field which are oscillating and with particular frequency. They all move with the same speed. So the only difference between gamma rays to, these radio waves is the frequency. So when we find that frequency is higher, we move towards gamma ray, and when frequency is less, we are moving toward the radio waves. By the way, this is the point where we can see some connection between wave and particle behavior. When we are moving towards the high frequency light, it shows its particle behavior dominantly. Whereas when we move towards the radio wave size, we find that wave character starts the domination. It's not that particle character is not there. All both particle and wave characters are present in all the electromagnetic spectrum, which are basically the same thing, electromagnetic field oscillating with that actual frequency. So we have to keep it in mind. However, this how light can behave as particle and wave, honestly speaking, even after spending 40 years as a teacher of quantum mechanics, I don't understand. And we'll teach it in class 11. And I, of course, smile when I find my friends, my students, my colleagues, they have just memorized this, statement that light is wave as well as particle, but nobody understand. And finally, I got solace when I learned from Feynman that nobody has understood quantum mechanics. So I think, I know, I'm not a bad guy. So heat is also considered as one class of the light substance. So they are somehow close to this idea that heat and light has a connection.
light is the visible part, whereas heat is the sensational part, our skin says. And then they also admitted that heat is an agency which generates chemical change part by disintegrating the composite structure of objects, so this everyday experience. Then they go further and then they talk about combination of atoms. Due to their motion, two atoms may combine to form diatom, which is called duanuk. It is also invisible. Then three diatoms form an object called tresireno, which become visible. And it compared, tresireno, its size is compared with motes floating in the sunbeam every day. We all of us have seen the light is coming inside, dust particles are seen as motes. So here, somehow, some idea about the size of tresireno is given. And in some of the commentary, I could find that this size is coming out to be 3,50,000 part of an inch, which is around 70 nanocentimeter. But this is not present in original Vaisheshika Sutra. It is in some of the commentaries, or probably some modern person, I think Brijendranath Seel. He has done very good work in explaining Vaisheshika and Sankhya Patanjal viewpoints of matter in quite a detail. It's worth, this book is worth reading. So all friends are welcome to read it. I'm sure many of you might have already seen it. And probably it is one of the first books, or maybe the first book, which talks about material aspects seen in original Sanskrit literature. This book, in fact, beside others, have been one of the motivators to me, and I started looking into these things in more detail. By the way, more than three diatoms of tresireno can also combine, and ultimately the gross objects are formed. Thus, the chain of production of grosser objects continues. Formation of objects and changes in them take place through physical as well as chemical action. So they were aware of this physical and chemical action. Now this part, which I said is important, because causality is something which governs the whole of world. When I say whole of world, I mean physical world. In science, we clearly define anything is part of real only when it is observable. More appropriately, it is measurable. So you can assign some number, throw some unit to anything. So reality is that which can be measured for physics. So that is the physical world. So physics as such, science as such, does not deny the existence of other things. It says it's not part of me. It's not part of me. I will consider only those things. I mean, science will consider only those things which are measurable. So it belongs to essentially physical world. But that physical world, as Aravizi asked, what is the state of, I mean, causality, is totally governed by causality. But this causality is also two types. Because Aravizi initiated this question, I wanted to avoid going into the detail of physics, but this gives me the opportunity to talk, so I'm actually using it. In classical physics, causality is deterministic, strict. Once you have equation of motion and you understand well, and you have the data with you, then future and past of that system is totally determined. It's so no scope of free will. But in quantum physics, we do have causality. It is not that strict causality. It is not that deterministic. It is probabilistic. However, what is the meaning of actually probabilistic causality? That means if a system is evolving in time, it evolves simultaneously in all possibilities. Say there are seven possibilities. And until we observe, the quantum system is going in seven possibilities together. Of course, where is the causality lying in the quantum mechanics? Quantum mechanics tells you the probability of each of these seven possibilities. That's the point. So each of these seven possibilities are calculable, the probabilities. However, when you look at the event, it will be only one of the seven outcomes. You won't see seven all together, you will only see one. So it means with that now probabilities are
integrated, but it does not mean that quantum theory deny causality. Because, no, quantum theory uses actual causality. It is based upon causality. The fundamental Schrödinger equation is the equation of, the causality. But now the strict causality is replaced by probabilistic causality, causalities. And again, I cleared it. It is within the domain of physical world. The moment you go mind or finally to the consciousness, new dimensions will happen. So those, that is a part of separate dharma, or maybe we can take up in the question and answer. So Visheshi clearly mentioned there are four kind of causes: material cause, non-material cause, instrumental cause, and efficient cause. Literally, we say they are samvayi karan, asamvayi karan, nimitta karan, and adrisht karan. And inherence is what we see in samvayi karan. So atoms are material cause for formation of diatoming, which is effect. Similarly, diatoms act as a cause of next formation, that is effect, and so on. So this chain of cause and effect continues. One produces second thing, second becomes the cause of the third thing, and this chain is going on. This is fully consistent with what we see around. Time is efficient cause of all that is produced. In this sutra, it is clearly mentioned. By themselves, the atom cannot produce anything else, else they would evolve into continuous creation. So to start the game, we need an unseen force, which is called adrisht, is efficient cause and is responsible for their combination. When I found this word first time, I was a little puzzled. Slowly, I find adrisht has two meanings. One is something beyond, that means the original, creator. But most of the time in Visheshik, this is referring to unseen force. For example, at that time, they didn't have, probably I should say it, carefully, they didn't have understanding why an iron piece is moving towards the, magnet. So they introduced it is the unseen force. So there are many examples which are given in Visheshika and also in its commentaries, where probably they couldn't have the exact knowledge. Now we have. We will say that magnet has a magnetic field that works on the this iron, and then it starts moving on the, toward the magnet. So quite often they are using this word unseen force when the author is not sure what is the real force. So they call it adrisht, but adrisht also has a meaning, which is one responsible for all the games to be started. Like adrisht, for example, helps the adequate fructification of the deeds of the past. Kal bhi kisi mitra ne ye baat ki thi ki hamare deeds jo hain kahan par hain. In fact, all the deeds of the past when a parlay happens are responsible to start the new game. So every constituent of universe, whether organic or inorganic, has to remain and function under capital its direct or indirect influence. So here we find adrisht is not unseen form. This somehow they are trying to indicate is responsible for the whole game of creation and destruction. I also want to make a comment, because quite often we hear this word that these Nyaya Visheshik, even Sankhya or Yoga, they have two forms, Nirishwar or Saishwar. And I don't feel bad about it, because they introduced this concept of Saishwar or Ishwar little hesitatingly. And that is quite close to science. Modern physics says we don't need any God or anything else to create. The nature itself can start the game itself. But these points are often, of course, debatable. Then it goes further. It talks of conservation of matter. There is an absolute difference between cause and effect, though there is a continuity between them, a mysterious type. And this is a point which should be kept in mind, because in Sakya, the distinction between cause and effect will be slowly dissolved. The cause in each case brings about the effect, but is immediately absorbed into the effect, which in turn plays the function of another cause to continue the process. All the universal processes respect the principle of causality. Then it says matter has inherent causality. It is capable of generating an effect within itself as its cause.
However, matter has incapability of being destroyed as an effect. So that is how we see a conservation of a matter. There is no way to destroy matter. By the way, this is the important thing. Until 1930s or so, even physics believed it, because most of the chemistry was developed on using this principle of the conservation of matter, more appropriately called conservation of mass. So this is the thing which is worth noting. However, just as a separate comment, when Einstein gave us the connection between energy and mass, that is E is equal to mc square, he was shocked, but he did it. He showed it. Many people actually ridiculed him, because that shows that physics people are also quite often conservative. And the good thing is the last 100-120 years development has tried to make physics also more and more open. That's like something which is worth appreciating. But during those times, people were conservative. They were so happy with the development of classical physics, which is common sense based mind at development. And whenever something new came up in quantum domain, everybody started objecting. Everybody said, no, this is not the way. Even the great people who themselves contributed to it were feeling actually uneasy. Anyhow, so people were ridiculing Einstein. Why this relation? How can this relation? But it's there. Only when we did large energy, high energy experiments, we could see that matter can be destroyed, particularly when it comes in contact with antimatter. For example, for every fundamental particle, we have an antimatter particle. Electron has its partner, that is a positron. So whenever electron and positron meet together, they will destroy themselves and become pure energy, that is light. And reverse can also happen. If you have very high energy, for example, gamma rays, they are very highly energetic. If their energy is beyond the twice of the mass of the electron, they have capability of producing electron-positron pair. So that established the Einstein relation numerically, but it also established that matter is somehow later. Energy is more fundamental. In any process, nothing is created and nothing is destroyed. So number of parmanus in the effect is the same as that in the cause. So this is what I have actually now just criticized. Even though this was okay up to 1930s and chemistry, physics agreed to that, but once high energy physics was born as a new subject, these things have become debatable. So energy has acquired more fundamental place. Then they spend a lot of time about sound and music. Prashaspa says wave character of sound. He hypothesized that sound was born by air in increasing circles. That is something like wave front in the modern, in the domain of physics, which we talk about, similar to the ripples in water. So this is quite interesting. Wave motion of air through transmission of a conjunction and a disjunction in the minute particle of air, this is also interesting. So they were aware of the connection between sound and air. So when they say sound is the sound connection with Akash, obviously they mean something else. Sound was understood to have its own reflection, pratidhvani, echoes. Then we all know there's a great tradition of Bharatiya music, Sangeet, ki kitne gehre yamin parampara hai, Bharat Bhuvane ke saath kaise cheeze connected hai. So we have advanced level of thing, but Vishesh Pandas talk about these things, that musical pitches are there, shrutis are there. They were caused by the magnitude and frequency of the vibration. They were aware of it. Iswar was believed to consist of shruti, fundamental tone, and some anuran, partial tones, are actually harmonics. So this is really a great understanding of sound. Then when we come to light, we have shushrut, which says light from external source fall at a retina that illuminated world around us. So he was aware of this. We have many views of how Haki seeing happen, but I don't want to go into detail of them. Chakrapani says sound and light travel in waves, where you have already seen that in Visheshika, we have corpuscle character of light, but here we find the light also travel in wave.
बट लाइट ट्रेवल एट ए मच हायर स्पीड देवर अवेयर. ये हमारे साथ भी कॉमन है, जब बादल खड़कते हैं तो लाइट पहले आ जाती है बिजली, और जो ये चमकती है और साउंड बाद में आती है. सो देवर अवेयर ऑफ दैट. Estimated value is quite close to real value. Some people make it controversial, but I think this is right because in Sayan, Vyakha, jo unhone commentary ki hai Vedon par, probably Rig Ved pe, wahan ek estimate milta hai which goes quite well with the modern value of the speed of light. Mimamsa says light is a minute particle. So here you see that two different viewpoints are coming together and at constant motion and spreading through radiation from the original source. Abraham here, 6th century, says reflection. He explains actually refraction and reflection, explained as caused by light particle arriving at an object and then back scattering. Kiran Vigatan, Murchan. Then Vasanan says reflection, explained as Rashmi Privartan, that is the real translation of reflection, or the vice versa. And explain occurrence of shadows and opacity of material. Then he also talks about refraction. It was understood as ability of light to penetrate inner spaces of translucent or transparent medium. So by the way, I will probably ask the permission if you want me to continue, because out of the other orthodox school, Nyaya Mimamsa school, accept the plural representation of matter given by Vaisheshika as such. Though they differ in minor detail here and there, heterodox Jaina Hinayana Buddhist and Charvaka school do accept the concept of elements and atoms, these impermanence, but they develop their own ideas. So I take your permission to continue. Sir, नहीं इसको third part में लेंगे. मुझे लगता है क्योंकि हाँ क्योंकि वो फिर सारे information जो है वो थोड़ा सा हम उसके साथ कोप अप नहीं कर पाएंगे. मैं सच में आपका धन्यवादी हूँ. आप अपनी दया दिखा रहे हो, काइंडनेस दिखा रहे हो, क्योंकि मुझे तो बीइंग टीचर, वी ऑल आर टीचर, हम लोगों का शौक है बातचीत करना. नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग स्टूडेंट्स हैं और हम लोग चाहते हैं जानना और समझना, लेकिन ये है कि थोड़ा सा जो है वो ब्रेक देना पड़ेगा बीच में. अभी थर्ड पार्ट में लेंगे क्योंकि फिर वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बाकी लोगों के फिर प्रश्न भी बीच में रह जाएंगे, टिप्पणियां भी रह जाएंगी. तो लेट्स हैव डायरेक्टली वन कमेंट फ्रॉम प्रोफेसर रवि शर्मा जी. वो हमसे पहले भी बात करना चाह रहे थे लेकिन तब तक आप जुड़े नहीं थे. तो सर बिना समय गंवाए प्रोफेसर रवि जी. बहुत 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 ही सुंदर, बहुत सुंदर व्याख्यान है. इट्स ए फैंटास्टिक टॉक. और अगर मैं ये कहूं कि आपने डीपेस्ट, वन ऑफ द पीपल हु हैज डन डीप स्टडी ऑफ हाउ वैशेषिक इन पर्टिकुलर कनेक्ट्स टू क्लासिकल एंड मॉडर्न फिजिक्स, यू हैव सर्टनली थ्रोन ए ट्रेमेंडस लाइट ऑन दैट सब्जेक्ट. आई डोंट नो ऑफ एनी अदर पीपल हु हैव स्टडीड one of these Shatdarshanas in that kind of detail and have compared it to physics. If you know anybody, kindly share with us. But I think yours would probably, when documented fully and published, would be a treatise that will connect the two. However, I have some questions which I don't know how to ask. One of the questions you addressed more or less, I would say in two parts, on causality was excellent. Thank you, sir. And second part is causality in the context of quantum computing. Because as you are questioning the wave particle nature, as you are questioning the entrance of probability and statistics in determining the particle or energy nature of high energy physics today, yes, causality is in that context correlated to your comments. So thank you for splitting it in two parts, and I was more referring to the second part because we do need
lot of probabilistic and information theory that goes into modern particle resonances. We'll take that up in subsequent discussions. I hope sure. The main thing I wanted to convey was that these subjects are not very light things. Mm-hmm. We should aim at consolidating a serious group of interested researchers, both from Shruti, Smriti and Purana's angle, as well as from physics and metaphysics and other parts related to physics, such as Vedic mathematics and so on, that and Sthapatya Kala and many other subjects that relate to these. And that should have a composition of half people retired like me and the half below 50 years of age, if possible, so that there is continuity and hope of continuity of these studies beyond my lifetime, at least. So, मैं एक छोटा सा कमेंट दूं. बहुत अच्छा आपने बोला है. मैं छोटा सा कमेंट देना चाह रहा हूं, जस्ट टू कंटिन्यू. जो आपने बोला है क्वांटम कंप्यूटेशन के कॉन्टेक्स्ट में और यानी स्टैटिस्टिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो छोटे छोटे से पॉइंट मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगा कि नो डाउट हम स्टैटिस्टिक्स को एज ए सब्जेक्ट जब बच्चों को पढ़ाते हैं क्लासिकल वे में या जैसे सिक्के छक्के उछालने के बाद, मैथमेटिकली स्पीकिंग वो चीजें हम क्वांटम में ले जा जरूर रहे हैं, मगर जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है सिक्के उछालने वाली डाई उछालने वाली, उसमें क्या हो रहा है कि हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमें लगता है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी. जब भी बहुत सारी बॉडीज होती हैं तो हमें वहाँ स्टैटिस्टिक्स लेके आनी पड़ती है, वो हमारी इनकैपेसिटी है कैलकुलेशन करने की, इसलिए हमने नया ब्रांच बनाया. लेकिन क्वांटम थ्योरी में जब यह प्रोबेबिलिटी है वो इंट्रिंसिक है, वो मजबूरी नहीं है कि हम कैलकुलेशन है तो मतलब नहीं कर पा रहे हैं. वो एक मतलब एवरी जो क्वांटम ये सिस्टम है वो इंट्रिंसिकली प्रोबेबिलिस्टिक है. इसको दूसरे ढंग से कहने का एक तरीका है, वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से है कि सपोज किसी क्वांटम सिस्टम के लिए एक ही पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट्स में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं. अब जैसे हम मोटर तौर पे उदाहरण लेते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वी कॉल इट स्पिन अप एंड स्पिन डाउन, दैट इज गोइंग टू बी द बेसिस ऑफ क्वांटम कंप्यूटेशन. बिकॉज क्लासिकली अवर कंप्यूटर्स व्हिच वी हैव नाउअडेज, दे हैव बिट्स 0 और 1, एंड 0 सो आइदर स्टेट इज इन 0 और इज इन स्पिन और इज इन 1. आवर क्वांटम अलाउज क्वांटम बिट्स फॉर एग्जांपल आर दे अलाउ अ स्टेट टू बी mixture of up and down together or 0 and 1 together. So this intrinsic property of probabilistic nature of reality allows a particular quantum system, say electron or photon, whatever you take, into different states to be present in different states simultaneously. So that is the real basis of where quantum computation starts. And this superposition principle honestly was unacceptable to people like Schrodinger himself. He proposed this Schrodinger-Cat paradox. But now, after doing it, that will be a long story, which I don't want to talk about now. Ultimately, experiment is the final. And Aspen and few more people, they did those experiments. And 3 years back, they were recognized, they were bestowed with the Nobel Prize, which finally has settled down this issue. Yes. Reality is quantum mechanical. It means a state, a fundamental particle, may exist in different, more than two or more than two states simultaneously. जी. Okay. Thank you. जी डॉक्टर पवन जी अपने को अनम्यूट कर लें सर. नमस्कार. हाँ नमस्कार. एक सेकेंड डॉक्टर साहब, मेरे मन में एक और भी विषय आ रहा था कि कभी हम क्वांटम सूत्रा पे भी बात करें, क्योंकि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो कई बार वो व्याकरण की बहुत सारी चीजें और निरुक्त के सामने आती हैं जहाँ पे नाम और धातु की वो बात करते हैं आख्यात की, लेकिन दोनों आती एक जगह से ही है, लेकिन बिहेवियर उनके बिल्कुल अलग अलग है, और फिर उनके इंटर रिलेशनशिप जो है वो उस चीज को और भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, फिर हमें कारक बनाने पड़ते हैं
तो कई बार मुझे लगता है कि एक पैरेललिज्म हमें दिखाई देता है क्वांटम बिहेवियर में और इस व्याकरण और निरुक्त के इन व्यवहार में। तो मुझे मालूम नहीं है कितना हो सकता है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर इस विषय पे थोड़ा सा आप कभी एक्सप्लेन करें इस सारे विषय को। राजेंद्र प्रसाद जी हमारे बीच में, वो शायद हाँ, कुछ कहें। डॉक्टर राजेंद्र जी भी हैं, प्रोफेसर सुनील कुमार जी भी हैं। जी जी राजेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, माइक्रोफोन को ऑन कीजिए। नहीं, प्रमोद जी कुछ कह सकते हैं, लेकिन खैर मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि तीसरा पार्ट स्केड्यूल कर दीजिए आप इनका, ताकि हमारी ये जो डिस्कशन है इसकी कंटिन्यूटी रहे, और कई लोगों के जो सवाल कल भी छूट गए थे और आज भी छूट गए हैं, कुछ लोग चले भी गए हैं, तो उन सबको मौका मिले। और आप जो तीसरी बात कहना चाहते हैं उसमें आप दूसरे दर्शनों से इसको कंपेयर भी करना चाहते हैं शायद न्याय आदि से, तो वैशेषिक से, लेकिन फिर भी वैशेषिक के अलावा भी। और मेरा आपसे ये भी पूछना है एक सवाल आप सब से, कि जो वैदिक व्याकरण होती थी पाणिनि से पहले वाली जी, उसमें जो मीनिंग्स है वो उसी तरह के हैं जैसे कि आपने कई कई शब्दों की आज व्याख्या की है, जैसे अग्नि वगैरह, काल और इस तरह की। एक प्रोफेसर एसपी सिंह की पुस्तक भी है, उन्होंने हर एक वैदिक शब्द की उनकी जैसी उनके समय में जो नॉलेज थी, जैसे वासुदेव शरण जी की अपनी थी, उस तरह उन्होंने भी व्याख्या करके करीब 400 पेज की पुस्तक एक उनकी है, जिसमें वैदिक टर्मिनोलॉजी पे उन्होंने बुक लिखी। बस इतना ही कहना था जी। चलिए ठीक है, डॉक्टर पवन जी, पवन सेठी जी। सर नमस्कार, वर्मा जी से को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत एनलाइटनिंग था ये लेक्चर, और खास तौर पे बहुत सी बातें, बहुत से भ्रम, बहुत सी भ्रांतियां जो भीतर थी वो टूटी। हालांकि विस्तार बहुत था और बुद्धि छोटी रह गई। मेरा स्पॉन्ज शायद उतना नहीं तैयार था कि अब्जॉर्ब कर लेता, तो भी कुछ प्रश्न जरूर दिमाग में आए कि जब फंडामेंटल एलिमेंट्स की बात हो रही थी, तो मैं जब इसको कॉन्शियसनेस से जोड़ता हूँ कि अगर कॉन्शियसनेस नहीं है, चेतन अवस्था नहीं है, तो हम उससे अलावा चल ही नहीं सकते, कुछ भी संभव नहीं है। तो अगर कोई आदमी जब कॉन्शियसनेस में होता है, जिस पल वो जो है एनलाइटन होता है, तो उसको कहते हैं कि लाइट दिखती है, कि ब्लू लाइट दिखती है, कोई वो कुछ और दिखता है, उसका क्या आपस में रिलेशनशिप है कि फिजिक्स के हिसाब से, और ख़ास तौर पे जो है जो कुछ भी कहा गया है कि कॉन्शियसनेस एंड लाइफ एंड एट द सेम टाइम मैटर एंड एनर्जी, उसके इसके साथ क्या रिलेशनशिप है या नहीं, या ये कपोल कथा है? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। शुड आई रिस्पॉन्ड? यस श्योर श्योर। कल भी आपके क्वेश्चन इतने ज्यादा पेनिट्रेटिंग है, मुझे घबराहट से होती है, क्योंकि मैंने कोशिश की है, कोशिश इसलिए की है कि भी मैं चाहता था और अभी भी चाह रहा हूँ कि हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस लिटरेचर की व्याख्या करें और इसको समझने की कोशिश करें। उसके अंदर मुझे बहुत कुछ चीजों पर चुप रहना पड़ेगा एज ए फिजिसिस्ट, लेकिन एज ए मैं थोड़ा एडवेंचर इधर उधर करता रहा हूँ, तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जी जी, मेरी मान्यता है वो मैं थोड़ा संख्या में भी कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की। जी जी, क्योंकि जो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, फॉर एग्जांपल हम लोग बातचीत सुन रहे हैं, कर भी रहे हैं, और टू सम एक्सटेंट जब हम ध्यान में प्रवेश करना शुरू करते हैं, तो हम अभी भी महातत्व के अधीन ही हैं, जो यानी सृष्टि में जब प्रकृति में विकार होता है, उसके बाद पहले जो जब सत्वगुण की प्रधानता आएगी, तो महातत्व की उपस्थिति होगी, दैट इज
इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, लेकिन वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो पुरुष की कॉन्शियसनेस है या आत्मा या परमात्मा की कॉन्शियसनेस है उससे लोअर और डिफरेंट है, लोअर है थोड़ा सा, ये मेरा व्यू पॉइंट है। और क्योंकि हम अभी भी शरीर के अंदर हैं और मन से गवर्न है और मन को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, और इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग शायद मुझे मौका देंगे अंग्रेज जी कि मैं एक छोटा सा मॉडल बनाया है उपनिषदों पर आधारित, जहाँ कर्म फल सिद्धांत और जो है कर्म फल और इसके अलावा जो है पंचकोश सिद्धांत एंड पुनर्जन्म, इन तीनों के ऊपर ही सनातन संस्कृति टिकी हुई है। इसको हम उपनिषदों में बहुत अच्छे ढंग से देखते हैं, और पंचकोश सिद्धांत इतना अद्भुत है और वो रियलिस्टिक है कि वो जो हमारे क्वेश्चन है उनको आंसर करेगा, क्योंकि जो हमारे ये पंच पहला अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश और फिर आनंदमय कोश, ये ऑफकोर्स कोश अभी भी प्रकृति के ही अंदर है, लोअर साइड पर है, इसके बियॉन्ड जो ट्रू सेल्फ या परमात्मा है वो कहीं है। तो जब हम इनर जर्नी पर जा रहे हैं तो हम थोड़ा सोफिस्टिकेटेड मतलब अपना हो रहे हैं, तो जो अनुभव शुरू में हो रहे हैं जहां तक मेरी मान्यता है, आई मे बी टोटली रॉन्ग, ये बिगिनर्स स्टेजेस हैं जब हम इसमें उतर रहे हैं। तो क्या होगा कि जो कलर दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल कलर हमको वर्ल्डली चीजों से दिखता है, लेकिन माइंड ने एक कैपेसिटी अक्वायर कर लिया ना कलर को यानी डिफ्रेंशिएट करने की। फर्क यह है कि जो कलर फॉर एग्जाम्पल मेरी इसका कुर्ते का पीला कलर है, इसमें स्टिमुलस बाहर से है, तो उस स्टिमुलस को जब वो आंख में पड़ रही है, आंखें के रेटिना तक लाइट पड़ रही है, कोई उसमें कलर नहीं है, कलर होता ही नहीं है देखा जाए तो, फिर वहां से एक इलेक्ट्रिकल यानी सिग्नल गया है जो कि ब्रेन में पहुंच रहा है, और ब्रेन भी सही मायने में जहां तक मेरे अपने समझ है उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता है, वो सूचना आगे मन के पास लेके जाएगा। क्यों, कई बार क्या होता है कि हमारा मन किसी वजह से उदास है या किसी और जगह लगा हुआ है, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम बेशक स्टिमुलस भेज रहे हैं सिग्नल, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो मेरी अपनी मान्यता है कि ये समवेयर कलर जो है हमें माइंड देखना शुरू करता है। अब क्वेश्चन है क्या माइंड के पास कैपेसिटी है कि वो बाहर के स्टिमुलस के बिना भी इसको कर दे, देखा जाए तो बॉडी भी बाहर ही है, तो हो सकता है कि माइंड की अपनी इननेट कैपेसिटी हो कलर को महसूस करने की। ये भी हो सकता है कि जब हम ध्यान करने जा रहे हैं तो शुरू में जैसे प्रत्याहार से हमारी यानी इंद्रियां अंदर की तरफ जा रही हैं, तो वो इनर आई स्टार्ट्स आई मीन वर्किंग, कुछ ना कुछ सिग्नल वहां पर वो देता होगा। ऑब्वियसली बहुत लोग वर्ल्ड में जो ऑनेस्टली इस तरफ जुड़े हैं वो कर भी रहे हैं काम, कोशिश तो की जा रही है कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को किया जाए, तो पर्सनली मुझे उसकी ज्यादा चिंता नहीं है। मेरा तो मानना है कि यदि हम अपनी परंपरा पर विश्वास करें, इसको लेके आगे चलें, वो अपने आप में सफिशिएंट है। बट आई डोंट वांट टू डिनाय आई मीन जो भी कुछ हो रहा है वर्ल्ड में, तो उनका अपना लोअर है। सर सर इस पे मैं कुछ बोल सकता हूं क्या? जी जिस प्रकार सर पवन जी पहले अपनी बात पूरी कर लें। हां सर, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने जब अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है तो वट आई हैव फाउंड आउट कि अगर मैं इफ आई एम इन एंगर एंड आई क्लोज माई आईज एट दैट टाइम आई सी रेड मोर एंड व्हेन आई एम इन अ प्लीजिंग मूड एंड ऑल दैट एंड देन आई सी ग्रीन आई डोंट नो हाउ इट हैपेंस एंड व्हेन आई एम जस्ट यू कैन से इन माई स्पिरिचुअल सीट और आई एम जस्ट यू कैन से इन द डेप्थ ऑफ माई स्पिरिचुअलिटी तो मैं अगर मेडिटेशन में है तो तब मुझे जो है मतलब कि आइदर इट बिकम्स ऑरेंज और इट बिकम्स यू कैन से वेरी गोल्डन एंड देन इट बिकम्स ब्लू सो आई दिस डांस ऑफ कलर्स ऑन द यू कैन से स्क्रीन ऑफ आई डोंट नो आई शुड कॉल इट माइंड और ब्रेन और व्हाटएवर बट डिसअपीयर्स नाउ सिंस फिजिक्स एंड लाइट आर बिकॉज लाइट इज द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स एंड कलर्स इज ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स So, how we can correlate it with the, you can say, physics and body's reactions? मैं वही फिर मैं आपको मैं ये बार बार एक चीज कहूंगा। नहीं, मैं एक चीज यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि अभी हम एक टर्म यूज कर रहे हैं कि फिजिक्स टॉक ऑफ कलर। यस, बच्चों को पढ़ाने के लिए हम बहुत सारी गलत चीजें करते रहते हैं क्योंकि उनको स्टार कैसे कराएंगे, लाइट के बारे में बात कैसे बताएंगे। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब हम सीख लेते हैं कि लाइट वास्तव में है क्या, जितना भी सीख पाते हैं,
उसमें कलर एग्जिस्ट नहीं करता। ये मैं बार बार इस बात को रिपीट करूंगा कि नेचर में कलर जैसी चीज फिजिकल लेवल पे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। केवल माइंड जो सिग्नल अंदर जा रहा है हमारे पास, चाहे वो बाहर से जाए चाहे वो अंदर से जाए, उस सिग्नल को कलर के रूप में इंटरप्रेट करता है। सो कलर इज एक्चुअली ए मेंटल कंस्ट्रक्ट है, वो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। मतलब यदि मैं कमरे से बाहर निकल जाता हूँ तो मेरा तकिया, मेरा कुर्ता यदि मैं उतार देता हूँ तो वो पीला नहीं है, वो खत्म हो गया, उसका रंग वंग उड़ गया, लेकिन दोबारा पहनूंगा आ जाएगा, क्योंकि आंख उसको देख करके सिग्नल भेज रही है। तो लेट अस बी क्लियर अपॉन दिस कि पीपल में डिफर। मेरे अपने फिजिक्स कुलीग शायद मेरे को ना भी पसंद करे घर में, तो मैंने कल भी बोला था कि मेरी गिनती फिर प्रॉब्लम में हो जाती है, ये क्या बातें हो रही है, क्योंकि वाइफ को दिख रहा है, बच्चों को दिख रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन हम उसको डिनाई करना चाहते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो सारे के सारे आपके वेवगोर है, जो कलर है, उनमें केवल फ्रिक्वेंसी का फर्क है, अदरवाइज दे आर आइडेंटिकली द सेम। तो अलग अलग बिल्कुल नहीं है वो, नो डाउट। हम बच्चों को दिखाएंगे, देखो प्रिज्म में से वो उस न्यूटन ने लाइट निकाल ली, उधर वो उसका डिस्पर्शन हो गया, वो ठीक है कराने के पड़ते हैं, लेकिन अल्टीमेटली यदि मैं खुश हो जाऊं तो मैं कहूंगा कि मुझे सिंपली फ्रिक्वेंसी की बात करनी है कि भाई प्रिज्म ने लाइट के डिफरेंट फ्रिक्वेंसी को सेपरेट कर दिया। ये प्योर फिजिक्स का कंसेप्ट होगा, कलर मेंटल कंसेप्ट है, और शायद वो जरूरी भी था क्योंकि सन रेज से हमारे पास जो मैक्सिमम रेज आ रही हैं वो वेवगाइड में आ रही हैं। तो जिस वक्त लाइफ इवॉल्व हुई है उसने सेंसिटिविटी टुवर्ड्स कलर एक्सेप्ट कर ली। और मैं इसको भी जानबूझ के द्वारा रिपीट करना चाहूंगा कि कलर ही नहीं, हमारे जो मीनिंग है साउंड में तो कुछ मीनिंग नहीं है, मीनिंग भी माइंड निकाल रहा है। इवन टच जो हम कर रहे हैं, स्मेल जो है, देयर इज नथिंग लाइक स्मेल इन एनी केमिकल, लेकिन उससे जो निकल रहे हैं जो मॉलिक्यूल उसके हवा में उड़ के हमारे नाक में घुस रहे हैं, उससे जो सेंसेशन पैदा हो रही है इलेक्ट्रिकल सेंसेशन, वो ब्रेन तक पहुंचने के बाद भी पक्का फाइनल नहीं होती है, माइंड ही उनको इंटरप्रेट करता है कि ये डर्टी साउंड है या ये प्लेजेंट, सॉरी प्लेजेंट यानी कि स्मेल है। तो जितनी हमारी सेंसेशन है वो भी घूम फिर के बहुत गहरे में माइंड ही खेल रहा है, उसका फिजिकल अस्तित्व नहीं है। ये इंटरप्रिटेशन है सारी के सारी। तो यू मीन टू से इट इज अनकॉन्शियस कंडीशनिंग ऑफ द माइंड व्हिच इज डीपर इनसाइड व्हिच इज इनटू द मेमोरी एंड जस्ट कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू समथिंग। हाँ, वहां से डाटा इधर से उधर उठा के पास्ट से लाके आपके सामने कर देता है, देखो ये येलो है वो। तो बहुत हद तक वेदांत और इनकी योग की बातें हैं। आपने मतलब एकदम पकड़ लिया मेरा कि ये गेम ही, माइंड भी लोअर लेवल के गेम है, माइंड तो गेम तो वास्तव में कॉन्शियसनेस की है। यदि मेरे मित्र जो तंत्रों में इंटरेस्टेड रहे हैं उनको मैं बोल्डली कह सकता हूँ कि ये मेरा फीलिंग है कि दिस माइंड इज ए लिटिल पार्ट ऑफ महामाई, जिसको हमने शक्ति कहा, उसका एक छोटा सा कान है जो हमारे भीतर ऑपरेट कर रहा है। तो अल्टीमेट गेम तो शक्ति की है, शिव तो पीछे बैठे हैं स्वाणु रूप में जी। इस इशू को भी हमने लेना है। मैं आपको एक छोटा सा इंटरप्शन कर रहा हूँ, हमारे बीच में प्रमोद कुमार जी अग्रवाल हैं, उन्होंने इस सब्जेक्ट को माइंड साइकोलॉजी और कॉस्मोलॉजी दोनों लेवल्स पे देखा है, अगर वो कुछ कमेंट करना चाहें तो बहुत वैल्यूएबल होगा। और दूसरा मैं चाहूंगा, सर सबसे पहले तो सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि मेरे को बोलने में थोड़ी सी स्टैमिनिंग होती है, तो उसके लिए कृपया मेरे को क्षमा करेंगे आप लोग। और दूसरा, मैं बोलने की मेरे को अभ्यास नहीं है, आपने जो मुझे आज्ञा दी है, मैं सोच रहा था पंच महाभूत तो बोलने की कुछ का सोच रहा था मैं, अगर आप आज्ञा दें तो मैं उसको कुछ बोलूं। मेरे विचार से उनका बहुत गहरा अध्ययन है, और मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि एक प्रेजेंटेशन इनका अलग से हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और पवन जी आप भी इनसे बहुत अच्छा, पवन जी सेठी जिन्होंने काफी अच्छे सवाल पूछे हैं, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, सुनूंगा, लेकिन आप सबसे मैं चाहूंगा कि एक संगोष्ठी इन लोगों की जरूर कराएं। मैं तो जरूर चाहूंगा, इनका नंबर हमारे साथ शेयर कर दीजिए। हाँ सर, और नंबर मैं ये कह रहा था, कि सर हम लोग शब्द यूज करते हैं भूत का, पंचभूत, लेकिन ये पंच महाभूत हैं,
पंच महाभूत का मतलब होता है भूत का कारण। अब हम सारी विवेचना में जाने की बजाय अच्छा ये रहता है कि हम किसी प्रैक्टिकल एग्जांपल पे आ जाए सीधा जी। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल पे हम आते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पंच मतलब भूत कहाँ से पैदा हो रहा है। तो हम बायोलॉजिकल भूत को ले लेते हैं। तो बायोलॉजिकल भूत में पैदा होता है सबसे पहले उसका डीएनए पैदा होता है और फिजिकल मॉलिक्यूल से डीएनए बनता है जी। फिर फिजिकल मॉलिक्यूल से जो डीएनए बनता है उसमें आत्मा का प्रवेश होता है ऐसा हम मानते हैं जी। जिससे कि वो भूत भूत अपने लाइफ के अंदर आता है। अब ये जो जी। आत्मा में प्रवेश कर आत्मा का प्रवेश होता है इसको हम शब्द बोलते हैं एग्जिस्टेंस। एंटिटी नहीं बोल रहे हैं, देखिए हम इसको एग्जिस्टेंस बोल रहे हैं। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है ब्रह्म। और ब्रह्म की इसमें तीन अवस्था है, एक है अग्नि है, एक है आप है, एक वायु है। अग्नि का मैं बता देता हूँ, अग्नि का मतलब ये है कि ये डिपेंड करती है एंट्रोपी के ऊपर। एंट्रोपी आप समझते होंगे कि ब्रह्म ने चाहा मैं एक का अनेक हो जाऊं। तो एक प्रकार से ब्रह्म ने चाहा कि मैं जगत हो जाऊं, वो जगत ने चाहा कि मैं ब्रह्म हो जाऊं। तो उसके बीच में जो चाहत है वो अग्नि है और वो अग्नि ही कॉन्शियसनेस पैदा करती है। और ये कॉन्शियसनेस ये जो कॉन्शियसनेस है ये इम्परसेप्टेबल है। दूसरा है आप का मतलब है एक्सेप्टेबिलिटी। हम लाइफ को स्वीकार कर रहे हैं इसीलिए लाइफ है, अन्यथा लाइफ नहीं हो सकती है। लाइफ की स्वीकृति ही लाइफ है। इसमें जितनी भी ग्रह होंगी सबको स्वीकार करेंगे हम। और तीसरा है वायु। वायु का मतलब है टाइम, यानी कि आपका प्रवाह, आपकी लाइफ का प्रवाह। तो ये तीन चीज मिलके एग्जिस्टेंस बनती है जिसको हम लाइफ बोलते हैं। और जब ये लाइफ आपके डीएनए में जाके एंटर करती है डीएनए में एंटर करते ही एंटिटी बन जाती है। और ये हम बोलने लगते हैं बायोलॉजिकल एंटिटी। अब हमारी थ्योरी ये है कि ये तो थ्योरी करीब करीब सभी लोग जानते हैं जो मैंने कही है अभी आपसे। हमारी थ्योरी ये है कि यही प्रक्रिया जब हमारी साइकोलॉजिकल एंटिटी बनती है उस समय भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। और जब बायोलॉजिकल जब इंटेलेक्चुअल एंटिटी बनती है जब भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। और हम अगर अद्वैत को मानते हैं तो हम ये कहेंगे कि जब अपना भौतिक पदार्थ बनता है जो कि कॉस्मोलॉजिकल एनर्जी से बनता है, जिसमें आप लोग बता रहे थे अभी E=mc², तो वो उसकी प्रक्रिया भी यही होगी जी। अब इसमें यदि कोई प्रश्न कोई समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि यहाँ तक अगर मैं यहाँ तक में कोई प्रश्न है वो चीज क्लियर हो जाना चाहिए जिससे आगे बढ़े। नहीं नहीं, ये तो स्पष्ट ही है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखा, ये वक्तव्य तो स्पष्ट है। स्पष्ट है ना। देखिए अब इसमें हमारा कहना यह है कि ये पूरा यूनिवर्स जो है उनके कई लेवल हैं, जिसमें हम जिन लेवलों को हम जानते हैं वो है इंटेलेक्चुअल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, बायोलॉजिकल लेवल, फिजिकल लेवल और कॉस्मोलॉजिकल लेवल। जब हम ये कहते हैं कि हम ऊर्जा को पदार्थ में बदल सकते हैं तो हम एक्चुअली गलत कह रहे होते हैं। ऊर्जा तो पदार्थ का रॉ मटेरियल है। हमने तो केवल पदार्थ को किल कर दिया, किल करने से जो रॉ मटेरियल स्पेयर हो गया वो आपको दिखाई दे रहा है। मतलब उसमें कोई उसमें उसको बदला नहीं है कहीं भी। लाइफ तो मतलब जो फिजिकल पदार्थ है उसकी लाइफ तो जब तक लाइफ है तब तक लाइफ है। जैसे उसका एग्जिस्टेंस खत्म होगा आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी, आपका केवल रॉ मटेरियल ही रॉ मटेरियल बचेगा क्योंकि जो कि फिजिकल मटेरियल है। यदि बायोलॉजिकल मटेरियल को लेता हूँ और यदि फिजिकल मटेरियल को लें तो उसका रॉ मटेरियल कॉस्मोलॉजिकल एनर्जी है तो वो हमको मिलेगी। तो अच्छा आपको इसमें ये है कि हर स्तर का हर लेवल का जो सूत्र है वो एक ही सूत्र है। जैसे भौतिक पदार्थ जो है वो कॉस्मोलॉजिकल पदार्थ को खाते हैं,
और उन्हीं के तो उन्हीं के द्वारा एक्टिवेट होते हैं। जो बायोलॉजिकल पदार्थ हैं वो फिजिकल पदार्थ को खाते हैं और उन्हीं के द्वारा एक्टिवेट होते हैं। जो 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 साइकोलॉजिकल पदार्थ हैं वो बायोलॉजिकल सेंसिटिविटीज को खाते हैं और उसी के द्वारा एक्टिवेट होते हैं। और जो इंटेलेक्चुअल माइंड है हमारा वो साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल इमोशंस को खाता है और उसी से एक्टिवेट होता है। तो हम एक स्तर के नीचे का जो स्तर का जो नीचे का पदार्थ है उसको उपयोग करके एक्टिवेट होते हैं। तो जब हमने कोई चीज जब हमने अगर कोई चीज देखी है, आप तो सोचिए कि वो हमने सीधी नहीं देखी है, वो हमारा जो बायोलॉजिकल एंटिटी है उसने देखी है, उसके बाद उसने साइकोलॉजिकल एंटिटी ने देखी है और साइकोलॉजिकल एंटिटी से हमारी इंटेलेक्चुअल एंटिटी ने देखी है। हर लेवल पे हमारी मेमोरीज हैं, तो हम जो भी देखते हैं वो मेमोरी से कंट्राडिक्ट होती है चीजें, और जो हम चाह रहे होते हैं वो चीज हम देखना चाह रहे होते हैं, इसलिए जो चीज सामने होती है वो चीज हमें दिखाई नहीं देती है। एक ही चीज है हमारी। वर्मा साहब ने जो सवाल पूछा था, सॉरी टू इंटरप्ट, वो करीब करीब उसी रूप में आप समझा रहे हैं, लेकिन इनको पूरा समझने के लिए आपको इनका एक पूरा लेक्चर रखना पड़ेगा। जी, मैं बिल्कुल इस विषय पे लूंगा, और बल्कि साइकोलॉजी, इंडियन साइकोलॉजी मेरा बहुत ही पसंदीदा विषय है, और मैं चाहूंगा कि उसको साइकोलॉजी को अंतःकरण के रूप में हम कभी टेकअप करें, और जल्दी ही टेकअप कर लेंगे। मन बुद्धि जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है। आज हम उसके टीजिंग स्टेटमेंट्स आए हैं, तो अब इस पे लोग विचार करेंगे, और चार हैंड्स खड़े हुए हैं इसलिए मैं चुप हो जाता हूँ। अच्छा, चार हैंड्स जी, रवि जी रह गए हैं, उसके बाद फिर रविंदर कुमार जी। रवि जी, आप अपनी बात। जी सर, नमस्कार सर, सभी लोगों को सर नमस्कार। सर, इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि सर, जिस तरह से गीता में भी सर दिया गया है कि दूसरा अध्याय का 23वां श्लोक है सर, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नैनम न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। सर, इसमें तो अर्थ तो सभी लोगों को सर पता ही होगा, तो सर इसमें तो स्पष्ट रूप से यदि इसका चिंतन किया जाए सर श्लोकों का, तब हमें पता चलता है कि सर हमारा जो रूप है सर वो लाइट ही है, क्योंकि लाइट ही ऐसा चीज है जिसको आप न जला सकते हैं न भिंगा सकते हैं, किसी भी तरह से कुछ नहीं से कर सकते हैं, जो जैसा है वैसे। और बायोलॉजिकल बॉडी हम लोग का जो फिजिकल बॉडी है सर, वैसे देखा जाए तो सर फिजिक्स के हिसाब से तो हम लोग सर हर समय एक रेडिएशन छोड़ते हैं, जिसे सर कहें तो वो एक इंफ्रारेड, जो हमें सर वैसे देखा जाए तो सर हम लोग हमेशा छोड़ते हैं एक एक, एक चीज। और इसमें सर लाइट जो देखा जाए तो सर जैसे कहा गया है कि ब्लू लाइट कहा गया या वायलेट कलर का, तो वैसे मतलब जैसे इनलाइटेड पर्सन का कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गड़बड़ मत कीजिए। कैसा क्या गड़बड़ क्या हो रही है सर? ये गड़बड़ ये हो रही है कि आप जिस अर्थ में प्रकाश या लाइट को ले रहे हैं उस संदर्भ में नहीं है वो देखिए, जब आप वेदांत को पढ़ेंगे या शंकराचार्य के स्तोत्र ही पढ़ेंगे तो आपको वो बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि दिए का प्रकाश है, चंद्रमा के प्रकाश है, फिर सूर्य के प्रकाश है, फिर उससे आगे जो प्रकाश है तो वो जो नहीं। लेकिन नहीं सर, मूल में तो सर प्रकाश ही है सर। नहीं, प्रकाश तो है, लेकिन जिस प्रकाश की यहाँ पे चर्चा हो रही थी वो फोटॉन्स के और दूसरे रूपों में बात हो रही है, वो प्रकाश है, सर, वो तो प्रकाश है। लेकिन ठीक है, प्रश्न ठीक है, मैं उसको प्रशंसा ही करता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा संदर्भ बदल दिया आपने, तो इसलिए जैसे सर यहाँ जो प्रकाश की बात है तो आप देखिए, इसमें अगर भौतिक प्रकाश हो, मनोवैज्ञानिक प्रकाश हो, वानस्पतिक प्रकाश हो, है तो सारे प्रकाश ही ना। अगर आपको अगर वानस्पति आपके बायोलॉजिकल बॉडी में कोई सेंसेशंस हो रही हैं वो है तो प्रकाश ही ना हो, अगर बुद्धि में कोई आपके आइडिया आ रहा है तो वो है तो प्रकाश ही। जी जी, तो वो प्रकाश शब्द तो एक कॉमन शब्द है। प्रकाश शब्द तो कॉमन शब्द है, प्रकाश तो हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, पर प्रकाश के पीछे एडजेक्टिव क्या होगा वो है इम्पोर्टेंट। जी जी, तो इसलिए क्या होता है कि सर गलती से
हम गलती से क्या करते हैं, हर प्रकाश को भौतिक प्रकाश ही मान लेते हैं जी। वो भौतिक लेकिन रुचिकर है। इसी में सर मैं आगे बोलना चाहूंगा कि सर जैसे हम लोग देखते हैं कि शंकर जी को या विष्णु जी का या अन्य किसी भी साधु के भी जो देखते हैं तो सर उनके पीछे सर लाइट का दिखाया जाता है या उनका रंग रहता है सर श्याम वर्ण। श्याम वर्ण में भी सर कौन सा एक है सर, दुर्वा दल श्यामम। वैसे सर ये उस श्लोक तो सर कई जगह का है सर, एक है सर रामम दुर्वा दल श्यामम पद्माक्षम पीतवाससम, ये राम जी के लिए सर है। तो सर जैसे दुर्वा दल में सर वो जो श्याम रंग होती है वो नीला बैगनी कलर की होती है उस प्रकार की ही, और हर एक इनलाइटेड पर्सन के पीछे सर वो बैगनी रंग इसलिए ही सर ये मुझे लगता है ऐसा कि वो इसलिए दिखाया जाता है कि सर जैसा हमारा एक चेतना का स्तर को वो जो स्तर को हमको दिखाता है सर कि वो आप किस स्तर पे पहुंचे हुए हैं। जैसे परशुराम जी का भी सर वर्ण देखा जाए तो वो भी सर उनका भी वर्ण वही है श्याम वर्ण ही या नीला वर्ण का ही है क्योंकि वो इतने तप की वजह से वो इनलाइटेड हो चुके कि उनका जो खुद का जो स्वरूप है सर वो सर झुक चुका छिप चुका वो और हम लोग को दिखता नहीं है। जैसे शंकर जी के लिए भी सर हम लोग जानते हैं कि मतलब देखते हैं मूर्तियों में कैसे ऐसे हैं लेकिन एक्चुअल में क्या है कि सदाशिव के बारे में क्या है कर्पूर गौरम, लेकिन अब उनका जो आभा सर है ऐसा है कि वो उनका जो मूल शरीर का जो कलर है उसको सर डिसकलर करके वो जो उनका इनलाइटेड कलर है उस चीज को दिखाता है, इस वजह से हम लोग को दिखता है कि ये ऐसा है। और जैसे आजकल कोई को मतलब आजकल नहीं सभी उस समय भी और अभी भी जैसे कि कोई गुस्सा व्यक्ति है तो हम लोग को सर पहले से ही पता चलता है कि ये गुस्सा है हो चुका है, अब इसके सामने जाना थोड़ा खतरनाक है। जी 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 ठीक चलिए ठीक है। रवि मत्सुदन जी आप तो जो है यजुर्वेद के उस मंत्र के बारे में सोचना अगली बार के लिए, जो जो कहता है तन्मे मनः शिव शंकर दूरंगमम ज्योतिषां ज्योतिरेकम, वो वाले प्रकाश का सोचना अगली बार बात करेंगे जी। रविंद्र जी डॉक्टर एक और सर फिर से बोलिएगा सर, तो एक और इंटरप्ट हो गई थी बीच में। शिव संकल्प अच्छा जी शिव संकल्प सूत्र ये शब्द की जी जी सर ज्योतिरेकम जी। हाँ जी रविंद्र जी। हाँ अश्लोक जी कुछ विद्वानों ने तीन किताबों का जिक्र किया राइटर्स का, एसपी सिंह वासुदेव शरण और राजीव मल्होत्रा। अब मैंने इन बुक्स के बारे में जाना चाहता हूं, उनके टाइटल एक तो क्योंकि राजीव मल्होत्रा जी इंद्राज नेट है मेरे पास, वासुदेव शरण की गीता नवनीत है, एसपी सिंह की कोई बुक नहीं है मेरे पास, तो एक तो इनसे प्लीज वो चाहिए। दूसरा मेरा आपके माध्यम से पवन जी से निवेदन है कि भगवत गीता के वैज्ञानिक पक्ष के ऊपर वक्तव्य करवाइए इनका जी जरूर, तो ये कर लेंगे मुझे मालूम है, बहुत अच्छा देंगे, मुझे इनकी विद्वता पर पूर्ण विश्वास है जी, तो भी समय कम है इसलिए आज मैं भगवत गीता के संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ और चाहूंगा कि पवन जी का एक वक्तव्य इस पर करवा दीजिए आप, और साथ में इससे पहले जो पंच महाभूतों की बात हुई थी उसके ऊपर भी आप एक अलग से वेबिनार करवाइए क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है सर। तो पवन जी से उम्मीद है कि मेरे इस निवेदन को स्वीकार कर लेंगे, आदेश है आपका, वो तो स्वीकार करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है डॉक्टर जी। और किसी का कोई प्रश्न है, किसी की टिप्पणी है? मैडम इंदु शर्मा। हाँ सर नमस्कार, समय काफी हो गया, बहुत छोटा सा प्रश्न पूछूंगी और शायद हो सकता है कि ये मेरी बौद्धिक क्षमता को पता है नहीं पता है, लेकिन मेरी जिज्ञासा है कि ना आत्मा को कौन से तत्व में रखा गया है, बस इतना सा पूछना था मुझे। आत्मा आपके जो पदार्थ बता रहे हैं उसमें आत्मा को कौन से पदार्थ में लिया गया है? ओके जी रवि जी, रमेश जी, डॉक्टर। देखो यदि हम विशेषज्ञ को देखें, सच बताऊं तो पीछे मैं बहुत कुछ सुन रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरी समस्या वही थी कि मैं हमेशा जो क्योंकि मेरा टाइटल फिजिसिस्ट वाला था तो वहीं पर सीमित हूं,
तो उसको ध्यान में रखते हुए आत्मा क्या है वो तो हम बहुत ज्यादा शायद वेदांत में जाकर ही समझेंगे, वो भी पता नहीं समझ पाएंगे कि नहीं, लेकिन कम से कम फॉर्मेलिटी से एक विशेषिक में सेल्फ को अलग एंटिटी माना गया है और सेल्फ के गुणों का भी जो भी चाहिए हमारे को इन्फॉर्मेशन विशेषिक में मिलती है। इसी सेल्फ को संख्या में जाकर के पुरुष अखिल कह दिया गया है और जो बाकी आठ हैं एलिमेंट उनको उसके प्रकृति के अंदर ये डाला गया है, वो मेरा नेक्स्ट पार्ट होगा जब भी हम करेंगे। और तो इसका मतलब तीनों दर्शनों में अलग अलग तरीका है देखने का, और पहले में तो सेल्फ को एज ए तत्व मान के यानी जो है हमारे फंडामेंटल एलिमेंट्स वहां पे डाल दिया गया है, और इधर फिर पुरुष को अलग ही कर दिया गया है। और देखा जाए तो वैशेषिक में भी सारा काम तो एलिमेंट्स ही कर रहे हैं, उनके उनके परमाणु कर रहे हैं, सेल्फ कहीं पीछे वो एक्सपीरियंस कर रहा है प्रेजेंट पे थ्रू माइंड, उसका फिर भी अपना डायरेक्ट रोल नहीं है, इसलिए कई बार इसको निलेश्वर भी कह देते हैं। ऐसे ही संख्या में भी पुरुष एक पैसिव सा रोल लेके बैठा हुआ, वो हम करेंगे, केवल उसकी दृष्टि से ही प्रकृति का विकार जो है शुरू होता है, एवोल्यूशन शुरू होता है, तो वहां भी वो पैसिव है, लेकिन अल्टीमेट वो महत्वपूर्ण है। लाइक हमारा जैसे प्रेसिडेंट है, काम तो सारा यानी प्राइम मिनिस्टर ही कर रहे हैं, लेकिन कर किसके बिहाफ पे रहे हैं वो, यानी प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कर रहे हैं, लेकिन वो आमतौर पर इंटरफेयर नहीं करता है। वही चीज यहाँ भी है, पुरुष ने गेम शुरू कर दी, मगर गेम जो चल रही है प्रकृति में, क्यों? पहली बार एक ऐसा दर्शन शास्त्र है जिसने पर्पस की बात की। आज भी साइंस में हम पढ़ते हैं तो वहां पर्पस नहीं आता है, आप व्हाट एंड व्हाई तो आप व्हाट एंड हाउ तो सोच लेते हो, बट व्हाई नहीं आप उसका आंसर करना। वो संख्या ट्रीट करेगा, वो भी मैं छूंगा। तो मतलब पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए ही प्रकृति का ये जो है सारी गेम चलती है, उसमें आएगी। वेदांत में जाके तो क्योंकि इस प्रकृति तक को डिनाई एमन कर दिया जाएगा, तो बचा है वो परमात्मा को या ब्रह्म को, वो बचा हुआ है, फिर हम उसके साकार रूप और निराकार रूप के बातें कर देंगे, वो हमारे टॉपिक से थोड़ा बाहर को निकल जाएगा। धन्यवाद। हमें रोकना होगा क्योंकि प्रोफेसर रवि शर्मा जी इस वक्त कैलिफोर्निया से जुड़े हैं, जहां आधी रात हो चुकी है। मुझे लगता है कि ये उनके विश्राम का भी समय है, उनको भी थोड़ा सा हमें विश्राम का मौका देना चाहिए। तो बाकी जो है प्रश्न हम फिर लेंगे, और इसका थर्ड पार्ट हम जल्दी ही लेंगे, हो सकता है नेक्स्ट वीक के शुरू में ले लें। और साथ ही साथ ये जो इंडियन साइकोलॉजी का विषय है और कुछ एक विषय और हैं जो मैं आपके साथ समय समय पर साझा करूंगा, उन सब विषयों को बहुत जल्दी लेंगे जैसे संभव होगा। तो इसके साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर विनय सिंघल जी को कि वो धन्यवाद ज्ञापन करके इस सारी आज की सभा को पूर्ण करें, और फिर जल्दी ही हम दोबारा मिलेंगे। जी मैडम, धन्यवाद ज्ञापन करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मुझे बहुत एक अद्भुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि आज हम इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों के बीच में बैठे, और जो हमारा भौतिकी विज्ञान है उसको अपने वैशेषिक और न्याय दृष्टि से देखने में मतलब हमें जो ज्ञान मिला है, हम तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम संस्कृत वाले कभी फिजिक्स में पढ़ते नहीं है, लेकिन आज और फिजिक्स के जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे डॉक्टर रवि शर्मा, डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा जी हैं, जो हमारे पवन सेठी जी, इन्होंने इतना गहन अध्ययन फिजिक्स का किया हुआ है और इतने अच्छी तरह से प्रस्तुति की कि तो जैसे कहते हैं कि एक निकोला टेस्ला ने जब इस चीज पे आरंभ किया था बात करनी, तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से चर्चाएं की, और शायद काफी सारे जो टर्म्स थी, उन्होंने प्राण शब्द का प्रयोग किया, उन्होंने काफी सारी जो सृष्टि ब्रह्मांड रचना की जो परिभाषाएं थी वो पारिभाषिक शब्द शायद यूं के यूं रखने का रखे, क्योंकि वही बात है कि रमेश जी भी, डॉक्टर रमेश जी कह रहे थे कि इन शब्दों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट बिल्कुल नहीं कर सकते, और उस गरिमा को उन्होंने बहुत अच्छे से अनुभव किया, और आज जो हमें जो उन्होंने ज्ञान दिया डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा जी ने, और मतलब अद्भुत ज्ञान था, और जो मतलब अद्भुत ज्ञान था जिसे कह सकते हैं कि छांदोग्य दृष्टि से कहा जाए, कठोपनिषद की दृष्टि से कहा जाए, जो उन्होंने अंतरिक्ष द्यौ और पृथ्वी इन तीज, अभी हम जब हम ये सेमिनार आरंभ किया उससे पहले मैं और डॉक्टर आशुतोष जी बात कर रहे थे कि ये जब चार परमाणु हैं
पृथ्वी जल तेज वायु, ये पंचम परमाणु मतलब आकाश में लीन हो जाते हैं, और जबकि आकाश का कोई परमाणु नहीं है। प्रलय अवस्था किस तरह की है ये समझ नहीं आ रहा था। तो ये क्योंकि जो संस्कृत का दर्शन चलता है वो चलता है ये तो अभ्युदय निश्रेयस प्राप्ति, किन पदार्थों का जो ज्ञान है इसका अंतिम लक्ष्य है मुक्ति की प्राप्ति है। तो क्या फिजिक्स भी वाले भी ऐसा मानते हैं या क्या मानते हैं, सृष्टि उत्पत्ति के ज्ञान का क्या लक्ष्य है? तो ऐसा कुछ अभी हमारे लिए नेक्स्ट थर्ड में हम इस बातों को उठाएंगे, लेकिन बहुत सारे आज विद्वत जन जुड़े और स्पेशली हमारे डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा जी, डॉक्टर रवि शर्मा जी, डॉक्टर पवन सेठी जी, डॉक्टर प्रमोद कुमार, डॉक्टर रवि सुधन, डॉक्टर सुधीर कुमार, डॉक्टर हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर संजय कुमार गोयल जी, डॉक्टर और हमारे फिजिक्स के टीचर्स जो थे डॉक्टर अनिल नरूला जी, डॉक्टर अविनाश जी, डॉक्टर आर के गुप्ता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर मीना, ये इन लोगों ने मतलब ये लगता है कि एक विद्वत शैली जो एक विद्वत समाज आज अपनी भारतीय परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए जो खड़ा हुआ है, इन सभी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं कि भारतीय संस्कृति भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक योगदान दे सकते हैं शायद वो अन्य कोई नहीं दे सकता। और डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी ने जो ये प्लेटफॉर्म हमें दिया है और शायद ये युगों युगों तक याद रखा जाएगा, और अगर हम ये परंपरा हमारी चलती रही तो बहुत समय तक इन बातों को याद रखा जाएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास बहुत सारे शब्द ही नहीं है कहने के लिए, वो जो नाद शब्द का प्रयोग हुआ, आकाश में अपना शब्द कौन सा है, वो नाद है, वो सामान्य शब्द नहीं है जो आप और मैं हम एयर के थ्रू सुन रहे हैं, जो मोबाइल के थ्रू सुन रहे हैं, वो एक भिन्न शब्द है। बड़े सुंदर परिभाषाओं का आज हमें श्रवण करने को मिला, ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं हृदय से आप सभी का इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, इस ज्ञान वर्धन के लिए हृदय से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार, और पुनः फिर हम लोग मिलेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे। इसका थर्ड सेशन भी हम करेंगे और साथ में अन्य विषयों की जैसे मैंने आप लोगों से चर्चा की है उस सब को लेंगे। बाकी आप लोग किसी एक विषय पे देना चाहते हो, कोई आपको लगता है कि भी आप किसी किसी विषय पे वक्तव्य देना चाहते हैं जो शास्त्रीय भी हो और साथ में आधुनिकता से भी संबंधित हो, तो उसका उसमें आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो आज के लिए हम यहीं पर इस सभा को पूर्ण करते हैं, और प्रमोद कुमार अग्रवाल जी, डॉक्टर साहब, आप अपना नंबर मुझे शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो ताकि आपके साथ भी हम संपर्क में रहें। बाकी लोग तो मेरे साथ संपर्क में है ही हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। तो आप लोग अब मीटिंग छोड़ सकते हैं, कैन लीव द मीटिंग नाउ। मेरा एक छोटा सा सवाल है रमेश जी से, वर्मा साहब से, कि कनाद के समकक्ष अनुवाद जो जैनिज्म का है वो उसी के पैरेलल है, बिफोर है या आफ्टरवर्ड्स है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, और ये थोड़ा मुश्किल भी है मेरे लिए हैंडल करना। जैन एंटीक्विटी जो है प्राचीनता तो वेद, हेलो, समकालीन से है, क्योंकि प्रथम जो तीर्थंकर हैं वो वेदों में बड़े रिस्पेक्टफुल वे में उनका नाम लिया गया है, तो परंपरा तो पुरानी है, लेकिन इसको कंसोलिडेट यदि हम मानते हैं, आई बी टोटली रॉन्ग क्योंकि मेरे लिए जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उन्होंने गौतम महावीर जो जैन अपने तीर्थंकर हुए 24वें, उन्होंने बहुत सारी चीजों को कंसोलिडेट किया। तो जैन दर्शन जिसको हम जैन दर्शन कह रहे हैं वो शायद लेटर है, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत प्राचीन है कनाद में, और जो भगवती सूत्र है फॉर एग्जाम्पल उसमें काफी गैप है, टाइम गैप मे बी 1000 ईयर और मोर जी। मैं इसमें एक ऐड करूंगा, डॉक्टर मोदी हैं, डीआरडीओ में साइंटिस्ट थे, वो अभी रिटायर्ड हो गए हैं, उन्होंने जैन आगम पे बहुत काम किया है, ही हैज ब्रॉट द साइंस एंड जैन आगम्स टुगेदर। तो मैं उसका नंबर शेयर कर दूं उनसे, आप आशुतोष जी बात कीजिए, अगर वो कभी आना चाहें और अपना संवाद हमारे साथ करना चाहें तो अच्छा रहेगा। जी जी, मैं जरूर निवेदन करूंगा उनसे, और जल्दी ही हम और कई विषयों को लेंगे, क्योंकि अभी श्री यंत्र और दश महाविद्या ये अभी रहते हैं, इनको भी टेकअप हमने करना है, तो राजेंद्र प्रसाद जी उन विषयों को लेंगे। तो चलिए आज के लिए हम राजेंद्र प्रसाद जी थे अपने बीच में, हाँ, थे लेकिन उन्होंने टिप्पणी नहीं दी। हाँ सर, तो उनकी अपेक्षा मैं कर रहा था।
प्रोफेसर मोहन मट्टो जी भी हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से, और अंग्रेजी के हैं लेकिन बड़े जिज्ञासु और साधक हैं, उनका भी हम स्वागत भी करते हैं। ठीक है, मेरी तो प्रार्थना सर, मैं और एक शब्द और कुछ मैं और बोलना चाहूंगा सर, सेशन के शुरू में अगर आप एक बार दो दो मिनट एक एक मिनट के लिए, लेकिन फिर वो डेढ़ घंटे का सेशन होगा, 5-15 मिनट के लिए शुरू शुरू में सब लोग थोड़े अपने विचार